वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम लोग क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सिक्स को स्टडी करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके हैबिटेट्स क्या हैं, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा इन्वायरमेंट होता है। ईच एंड एवरी थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनबूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो पहली और बुझो तो अपने वेकेशन पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी जगह पर घूमने के लिए गए। वेकेशन में लोग घूमने के लिए जाते हैं। वन सच ट्रिप टुक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। तो एक बार वो गंगा के किनारे गए थे, ऋषिकेश में गए थे गंगा नदी के पास। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। उन्होंने जो हिमालय पर्वत पर क्लाइम किया वहाँ पर बहुत ही ठंड थी। दे सो मैनी काइंड ऑफ ट्री ऑन दिस माउंटेन्स। जब उन्होंने हिमालय पर क्लाइम किया वहाँ डिफरेंट टाइप्स उनको ट्री देखने को मिला, जैसे ओक, पाइन्स, देवदर्स, वेरी डिफरेंट फॉर्म्स वन नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। जो पेड़ उन्होंने माउंटेन देखा वो बहुत काफ़ी अलग था जो पेड़ उन्होंने अपने घर के आसपास देखा था। जो पेड़ ज़मीने पर होती है ना और जो पहाड़ पर होती है, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, तो वो उन्होंने महसूस किया वहाँ पर। इन एट अनदर ट्रिप, एक दूसरा ट्रिप में गए। दे ट्रेवल टू राजस्थान। अब वो कहाँ, राजस्थान में घूमने के लिए गए। अनमूव्ड ऑन कैमल थ्रू दर हॉट डेजर्ट। जाहिर सी बात, अब राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर थर्ड डेजर्ट है, वहाँ पर आप कैमल पर आप डेजर्ट में घूमोगे। तो वो राजस्थान के हॉट डेजर्ट में कैमल में घूम रहे थे। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। राजस्थान में बहुत डिफरेंट टाइप का जो है ना कैक्टस, जिसमें कांटे लगे होते हैं, उस टाइप के प्लांट उन्होंने कलेक्ट किया, लेकर आए अपने साथ। तो फाइनली वो कहाँ जाते हैं, दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। अब इस बात पुरी गए हैं और वो समुद्र के किनारे हैं, बीच पे गए। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने डॉटेड विद कैसुवरेना ट्री। वहाँ पर उनको जो पेड़ दिखता है उसमें कहते हैं कैसुवरेना ट्री। वाइल रिकॉर्डिंग ऑल द फंस दे हैड ऑन दिस ट्रिप्स। तो जो वेकेशन और ट्रिप में गए थे, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों। While recollecting all the fun they had on these trips, a thought stuck in them. वो राजस्थान गए, आपका इसी केस में गए, उड़ीसा के पुरी में गए, क्योंकि दिमाग में एक विचार आया। चल चलिए देखते हैं क्या विचार आया, कि all these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places were so humid. जो ये डिफरेंट टाइप के जो प्लेसेस है ना, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, कहीं उमस बहुत ज़्यादा है, कहीं सूखा बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंट प्लेसेस का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने ऑब्जर्व किया। एंड एट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग क्रिएचर्स हैं और वेरियस काइंड, और डिफरेंट प्लेसेस में क्या डिफरेंट टाइप्स के लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं ना वो अलग अलग होते हैं, पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं हर जगह के। They try to think of a place on earth where there may not be any living creature. इसलिए वो सोच रहे कि ऐसा कोई जगह है जहाँ कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव जंतु ना हो, ना पेड़ हो, ना कुछ हो। बुजो थॉट ऑफ ए प्लेस नियर हिज होम। तो बुजो को अपने जगह याद है, अपने घर के पास। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, ही ट्राइड द कप बोर्ड। उन्होंने उसने असल कोशिश किया कि जो कप बोर्ड था ना, ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर हेयर। जो कप बोर्ड है उसमें कोई भी लिविंग क्रिएचर वहाँ पर नहीं होगा, उसको ऐसा लगा। बट ही फाउंड वन टीनी स्पाइडर इन द कप बोर्ड। बुजो लगा घर में ना कोई जीव जंतु होगा जी, लेकिन फिर भी जब बुजो अपना कप देखता है, कप बोर्ड में कहते हैं छोटा सा स्पाइडर था। घर के बाहर, आउटसाइड द होम टू, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस। और घर के बाहर भी ऐसा प्लेस नहीं मिला जहाँ कोई जानवर चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहता हो, कहीं कुछ ना कुछ तो कोई मिलेगा ही मिलेगा। ही कुड थिंक ऑफ डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर। इन फिगर 6.1 आप देख सकते हैं, आपका फिगर 6.1 कहना मतलब कि आपको घर हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, प्लेन पे हो, माउंटेन पे हो, मीन्स हर जगह कुछ ना कुछ वो लिविंग क्रिएचर मिलेगा मिलेगा। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार वे प्लेस। पहली क्या करती है कि दूर दूर जगहों के बारे में पढ़ती है और समझती है कौन कुछ
लिविंग क्रिएचर्स हैं कि नहीं रखे हैं, तो किस टाइप का, कैसे वो हमारे जो घर के आसपास लिविंग क्रिएचर्स उनसे कैसे वो डिफरेंट हैं। सी रिलेटेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। सॉरी, पहले ने कहीं पढ़ा कि जो वोल्केनो होता है ना, तो वोल्केनो में क्या होता है, वहाँ पर लावा होता है, मैग्मा होता है, चलता हुआ आग होता है वोल्केनो में, तो वहाँ पर उनका एक छोटा सा टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। अब बताइए जब वहाँ ऑर्गेनिज्म मिल गया तो बाकी जगह क्यों नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये आपका लिविंग क्रिएचर, देखिए इसको इसको यहाँ पर चेक कीजिए, देखिए सिप है यहाँ पर, ये पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, पानी है, यहाँ पे बैल है, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे लिविंग क्रिएचर यहाँ पर हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 6.1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6.1 आपका ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, लेकिन जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनका सराउंडिंग कैसा होता है, उनके रिगार्डिंग हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करते हैं। देखिए, एनदर थॉट दैट ऑकर टू पहेली एंड पूजो वाज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड। एक और विचार मन में आता है पहेली और पूजो के, कि जो लिविंग क्रिएचर हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, उनका क्या हैबिटेट है, किस टाइप्स के वो मीन्स कहाँ वो कैसे प्रेजेंट हैं। दी डेजर्ट हैड कैमल, तो आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको कैमल मिलेगा, ठीक है, माउंटेन में जाओगे तो वहाँ आपको माउंटेन गोट मिलता है और याक मिलता है। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पूरी में कुछ अलग ही टाइप का क्रिएचर है, वहाँ पर बीच में आपको क्रैब मिलता है, क्रैब, ठीक है, ऑन द बीच एंड सच वैरायटी ऑफ फिश बींग कॉट बाई दी फिशरमैन एट द सी, और डिफरेंट टाइप का अलग अलग टाइप का जो मछली है वो मछुआरे के द्वारा पकड़ा जाता है पूरी में। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम केसेस लाइक एंड दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशंस, और कुछ चीटी टाइप का जो था ना जीव जंतु, वो भी हर लोकेशन में प्रेजेंट था, लेकिन छोटी छोटी जो जीव जंतु होता है ना वो आपको मिलेगा कहीं पर भी। द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन्स वेर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द अदर रीजन्स, कहने मतलब कि वो एक रीजन का जो प्लांट है ना, डिफरेंट दूसरे रीजन का प्लांट से बहुत अलग है। मान लीजिए एक ही पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ जो आपको प्लांट मिलेगा ये डिफरेंट है, एक डिफरेंट मान लीजिए एक अलग रीजन है, रीजन वन है और रीजन टू है, तो यहाँ जो आपको प्लांट मिलेगा इस यहाँ का प्लांट से बहुत ही डिफरेंट होगा। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट वगैरह मिलते हैं, डिफरेंट केचर्स मिलते हैं। वाट अबाउट द सराउंडिंग्स, जो उसके आसपास का क्या, वाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन डिफरेंट रीजन्स, और जो डिफरेंट रीजन का सराउंडिंग है, सराउंडिंग भी अलग ही होगा। सपोज राजस्थान में कोई एक प्लेस है तो उसका सराउंडिंग डिफरेंट होगा, कोई मध्य प्रदेश में तो उसका सराउंडिंग डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट रीजन का सराउंडिंग जो वातावरण है वो भी अलग अलग ही होता है। वेयर दे सेम, क्या वो सेम होंगे, नहीं सेम तो नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो सेम तो नो, दे आर नॉट सेम, दे आर माइट बी सम डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट थिंग्स इन द एनवायरमेंट। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर, सोचिए कि जो और जितने भी प्लांट है, एनिमल्स और जो ऑब्जेक्ट है जो आपके वहाँ पे मिलते हैं, लिस्ट देम इन कॉलम वन में आप उसको रखना है। टेबल 6.1 है, देखिए टेबल 6.1 यहाँ पर दिया हुआ है, किस टेबल में क्या बताया गया ना, जैसे आपको जो लिस्ट ऑफ एनिमल है, देखिए एनिमल्स प्लांट एंड अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, अगर आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में वो किस टाइप का प्लांट मिलता है, किस टाइप का एनिमल मिलता है, किस टाइप का क्रिएचर मिलता है, उसको इस कॉलम में लिखना है। माउंटेन में किस टाइप का पेड़ है, पौधा है, जीव जंतु, यहाँ पर लिखना है, डेजर्ट का लिखना है। सी में कैसे मिलते हैं, चाहे कोई और अदर कहीं आप कहीं आप कहीं और गए हैं, वहाँ पर किस टाइप का क्रिएचर्स मिलते हैं, उसको इस कॉलम में भरना है, ठीक है। तो ये हम लोग चैप्टर को पढ़ने के बाद इसको फिलअप कर देंगे लास्ट में। लिस्ट एंड लिस्ट दिस एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन अदर रीजन दैट आर ऑल्सो सोन इन द टेबल, बोले कि कुछ एनिमल्स और प्लांट को भी दिखाई जो कि अदर रीजन में मिलते हैं, जो इस टेबल में दिखाया गया है। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फुल टेबल 6.1। इस चैप्टर में क्या है ना, डिफरेंट जगह पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को आप इकट्ठा करके आराम से उस टेबल को फिलअप कर सकते हैं। डिस्कस ऑल्सो विद फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए
पेरेंट्स से कीजिए, डिस्कस टीचर्स कीजिए टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल। टेबल को फिल कैसे कीजिएगा, पहले तो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल को एग्जाम्पल से बहुत सारे आपको मिल जाएगा। फिर अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से डिस्कस करके उस टेबल को फिलअप कीजिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरी दैट टॉक ऑफ एनिमल, प्लांट एंड मिनरल्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। आप लाइब्रेरी में जाके कुछ किताबें भी मिलेंगी आपको, जैसे आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, मिनरल्स के बारे में, डिफरेंट रीजन्स में किस टाइप का एनिमल मिलता है, प्लांट मिलता है, वो सब दिया रहेगा। तो आप उसको रेफर करके, उसको पढ़ के भी आप इस टेबल को फिलअप कर सकते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड, हाँ ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट एनिमल एंड ऑब्जेक्ट बिग अ स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन द टेबल। जब इस टेबल को फिलअप कीजिए तो कोशिश कीजिएगा डिफरेंट टाइप्स के एनिमल को, ऑब्जेक्ट को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको इस टेबल में फिलअप करना है। वाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलता है वाइल जब स्टडी करते समय, तो मे भी हो सकता है वो एनिमल नहीं हो, प्लांट नहीं हो, तो भी जो भी ऑब्जेक्ट मिले आपको यहाँ फिलअप कर ही देना आपको टैक्त। और पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल लाइक बोन्स। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट एनिमल नहीं मिले प्लांट, कुछ तो पार्ट्स मिलेगा ना, जैसे आपको मान लीजिए सूखी पत्ते हुई तो प्लांट का ही पार्ट हो गया, चाहे एनिमल के बोन्स हो गए तो एनिमल का पार्ट हो गया। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल एंड पेबल्स, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो सॉइल्स होता है ना, जो पेबल्स तो कंकड़ होते हैं, वो भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। अब ओशंस, वाटर इन ओशंस मिलेगा, मे सॉल्ट डिजोल्व इन इट, जो आपको ओशन का जो पानी में क्या है आपका जो नमक डिजोल्व होता है, जो कि आपको चैप्टर 3 में डिस्कस किया गया था। देयर कुड बी मेनी मोर, और बहुत कुछ हो सकता है जो आप इस टेबल में फिलअप कर सकते हो। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा। तो उस एग्जाम्पल को आप अपने नोटबुक में साइड में लिखते रहिए, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप कॉलम वाइज उस एग्जाम्पल को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मेनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। जब हम लोग डिस्कस करेंगे टेबल को, जब हम लोग टेबल करेंगे ना डिफरेंट प्लेसेस, तो हम उस टेबल को फिलअप करते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे कि किस लोकेशन में क्या मिलता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है आपका हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट क्या होता है और एडेप्टेशन क्या होता है, इन दोनों टर्म को समझना है, ठीक है। तो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी वन। जो एक्टिविटी अभी वन में जो आपने प्लांट और एनिमल को जो लिखा है ना, वो किस टाइप का आपको मिला है प्लांट। मान लीजिए डेजर्ट में, आज हम लोग डेजर्ट में गए तो हमने डेजर्ट में हमने क्या देखा, कैमल देखा, ठीक है। डेजर्ट में हम लोगों ने कैमल देखा। अब पूरी के बीच में गए थे तो हमने क्रैब देखा, ठीक है। तो डिड यू फाइंड ए लार्ज वैरायटी इन देम, जब जो आपने ऑब्जर्व किया उसमें क्या बहुत सारा वैरायटी था। यस, वैरायटी तो था ही। लुक एट वाट यू हैव एंटर्ड इन कॉलम ऑफ द डेजर्ट, वाले कॉलम आपने क्या फिल किया है उसको आप एक बार देखिए। एंड कॉलम फॉर द सी इन टेबल 6.1, तो 6.1 में हम लोगों ने क्या देखा, समुद्र में हम लोगों को क्या मिलता है, क्रैब वगैरह मिलता है, सी एनिमल मिलता है, ठीक है। डेजर्ट में कैमल मिलता है, कैक्टस प्लांट मिलता है, तो ये सब चीज़ हम लोग को डेजर्ट प्लांट डेजर्ट में मिलता है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस, क्या बहुत अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म हमने नाम लिखा है टेबल 6.1 में। वाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस टू रीजन्स, मान लीजिए डेजर्ट में और सी में इन दोनों के सराउंडिंग में क्या डिफरेंसेस है, किस टाइप का सराउंडिंग है। बोलता है कि इन सी में क्या होता है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सलाइन सॉल्टी वाटर, मतलब समुंदर में क्या होता है ना, जो एनिमल होते हैं आपके, जो प्लांट होते हैं, वो चारों तरफ सलाइन वाटर से घिरे हुए होते हैं, मतलब कि उनके आस पास जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। तो मोस्ट ऑफ देम यूज देयर एयर डिजोल्व इन द वाटर, तब ये लोग क्या करते हैं, जो पानी में जो एयर डिजोल्व उसको यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, अब डेजर्ट में जाइएगा तो वहाँ पर क्या आपको पानी बहुत कम मिलेगा, वहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा होता है डेजर्ट में। मरुस्थल में जाने के बाद यही होगा, वहाँ बहुत गर्मी लगी, बहुत धूप लगी और पानी का कमी होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम, दिन में क्या बहुत गर्म रहेगा, और वेरी कोल्ड एट नाइट इन डेजर्ट, डेजर्ट में क्या जैसे शाम होगा ना बहुत ठंडा हो जाएगा। तो ये आप खूबी आपका डेजर्ट का, दिन में बहुत ही गर्मी रहेगा और शाम होते बहुत ही ठंडा हो जाएगा। द एनिमल्स एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, तो जो एनिमल और प्लांट रहते हैं डेजर्ट में वो क्या करते हैं, उस मिट्टी में रहते हैं। डेजर्ट लिव ऑन डेजर्ट सॉइल, जो सॉइल है ना
वो डिजर्ट सॉइल में रहते हैं और एयर जो आसपास का जो सराउंडिंग है वहाँ पे ब्रीथ करते हैं। द सी एंड द डिजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स, बोला कि द सी एंड जो समुद्र है आपका, जो डेजर्ट है ना, आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, उनका सराउंडिंग बहुत डिफरेंट होता है। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस टू रीजन। डेजर्ट में क्या होता है और सी में क्या होता है, दोनों का सराउंडिंग भी अलग है और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल एंड प्लांट आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द डेजर्ट एंड द सी। इसलिए हम देखते हैं कि डेजर्ट एक एनिमल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, डेजर्ट और सी, डेजर्ट एंड सी से। जैसे एग्जाम्पल कर दिया गया एक कैमल एंड ए फिश, एक कैमल को देख समझेंगे और एक फिश को समझेंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से बनाएंगे कि वो उस मीन्स वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके, उतना धूप को सहन सक सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कैमल होता है ना, उसका पेट बहुत बड़ा होता है, देखिए ये बहुत सारा पानी पी लेता है, एक दिन में 10 दिन के लिए पानी पीने, उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही चौड़ा होता है, ठीक है, ताकि वो बालू में धंसे ना। आपने पढ़ा ना, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जितना अधिक एरिया कम रहेगा उतना अधिक प्रेशर रहेगा, प्रेशर रहेगा। अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम लगेगा। तो पंजा इसलिए वो लोग का चौड़ा होता था कि जब बालू में चले कैमल तो बालू में उसका पैर धंसे ना। कैमल्स हैव लॉन्ग लेंग्स, लॉन्ग लेग्स, जो कैमल होते हैं उनके पैर बहुत लंबे होते हैं, विच हेल्प टू, जो उसकी मदद करते हैं, कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। इसीलिए उसके पैर लंबा क्यों, ताकि जो गर्मी है ना उसके पैर से शरीर तक ना पहुँचे, नहीं तो मान लीजिए इतना इतना गर्मी पड़ता है डेजर्ट में तो उसका बॉडी तुरंत हीट हो जाएगी। इसीलिए लंबे लंबे पैर होते हैं ताकि जो हीट है वो उसके बॉडी तक तो जल्दी से ना पहुँचे। दे एक्सक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, दैट टंग इज ड्राई एंड दे डोंट स्वेट। वो बहुत ही कम पेशाब करते हैं, बहुत ही कम उनका जो डंग है ना, जो गोबर में से कैमल जो एक्सक्रेट करते हैं वो सूखा होता है और वो उनको पसीने नहीं आते हैं। अगर डेजर्ट में रहेंगे वो पसीने आएंगे तो पानी की फिर कमी हो जाएगी और डेजर्ट में उतना पानी है नहीं, इसलिए उसको इस तरीके से नेचर ने डिजाइन किया है कैमल को कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। क्योंकि कैमल को क्या होता है कि पसीना नहीं आता, बहुत ही कम पानी से निकलता है, इसलिए वो क्या था लंबे बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, हम फिश को पढ़ेंगे जो कि आपको समुद्र में मिलती है। सम ऑफ दिस आर शोन इन फिगर 6.3, कुछ फिश को फिगर 6.3 में दिखाया गया। चलो हम लोग को देखते हैं 6.3 में कौन सा फिगर दिखाया गया, कौन सा फिश को दिखाया गया। देखिए ये दिखाया गया ना 6.3 में फिगर, डिफरेंट टाइप्स का फिश है यहाँ पर, देखिए ये कलरफुल फिश है, ये आपका ब्लैक फिश है, ये डिफरेंट टाइप्स का। जब आप जाएंगे ना मछली घर में तो आपको डिफरेंट टाइप्स का फिश को देखने को मिलेगा। ये देखिए कैमल है, कैमल्स इन देयर सराउंडिंग्स, इनके पैर कितने लंबे होते हैं, देखिए इनके जो पंजे होते हैं कितने चौड़े हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। मतलब कि बहुत सारा फिश है डिफरेंट शेप्स होते हैं, कुछ चीज़ में जो उनका शेप है कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है। ऑल द वंस सोन देयर हैव बीन स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। सबके पास क्या एक स्ट्रीमलाइन शेप है, तो मछली होती है ना आपकी, उनका ये जो शेप होता है, ये जो साइड में होता है, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन, ठीक है। ड्राइंग तो हम अच्छा ही बनाते हैं, आपको पसंद आ ही जाएगा, देख लीजिए कितना अच्छा ड्राइंग है। तो मछली का ये जो साइड में होती है ना पंख टाइप का जो होता है, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइंड, ये आपको स्विम करने में हेल्प करती है ये पोर्शन, ठीक है। दिस शेप हेल्प देम टू मूव इन साइड द वाटर, पानी के अंदर मूव करने में कोई मदद करती है। फिश ऑफ स्लीपरी स्केल्स, फिश का जो स्केल है ना, उसका जो बॉडी है वो स्लीपरी होता है, ठीक है। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। ये जो स्केल है शरीर जो फिश के बॉडी में, वो क्या हेल्प उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके बॉडी को बचाता भी है। वी डिस्कस इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में उन्होंने जब फिश का मूवमेंट पढ़ा था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है कि नहीं कुछ।
दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल दैट हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन एंड कीप दर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जो मछली होती है ना उसके पास फिन्स होता है जो उसके पीछे लगी होती है जो, और जो पूछ होता है ना जो मछली का जो फ्लैट टिन्स है फिन्स है, और जो पूछ इसका क्या यूज़ है, ये इसको डायरेक्शन को चेंज करने पे हेल्प करता है पहला तो ये है, दूसरा उनके बॉडी को पानी में बैलेंस करने में भी मदद करता है जो फिन्स। सो दो काम है टेल से फिन्स का, पहला कि डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करेगा, दूसरा बैलेंस बनाकर रखता है ठीक है पानी में। ये देखिए आपने दिया अच्छे से देख लिया था उसमें गिजमिज हो गया था, पहला चेंज डायरेक्शन था और दूसरा हेल्प करता है बैलेंस इन वाटर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो मछली का फेफड़ा होता है ना जो गिल्स होता है वो क्या करता है जो ऑक्सीजन डिजोल्व है पानी में ना उसको ऑब्जर्व करता है, उसको ही ले लेता है ठीक है, उसमें का ऑक्सीजन को ले लेता है। वी सी दैट फीदर फिल्स हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड फीदर्स एंड फीचर्स एंड फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट। हम लोगों ने देखा जो जो सी का जो फीचर है ना उसमें सी को जो अपना फिश है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र में रह सके, और जो कैमल को जो भी इस तरीके उसका जो फीचर्स कुछ ऐसा है ताकि वो डेजर्ट में भी रह सके। तो मेनली यहाँ फीचर्स की बात हो रही है कि दोनों के फीचर्स क्या है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग है। We have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. हम लोगों ने सिर्फ दो एग्जाम्पल लिया ठीक है ना, अर्थ मतलब बहुत सारे एनिमल है प्लांट है सारे रहते हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि हैबिटेट क्या होता है तो इसको समझने के लिए उन्होंने दो एग्जाम्पल लिया ठीक। In all this variety of organism we will find that they have certain features that help them to live in the surrounding in which they are normally found. जो एनिमल में जो प्लांट में फीचर्स होते हैं उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होते थे ताकि वो सराउंडिंग में एडजस्ट कर सके वहाँ पर रह सकें ठीक है। अब मान लीजिए किसी को समुद्र में रहना उसको तैरने नहीं आता तो समुद्र में नहीं रह पाएगा, वहाँ का उसको समुद्र में रहना था आपको जो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको भी आपको लेना पड़ेगा, तो आपके अंदर वो फीचर होना चाहिए, वो फीचर मछली में है। आप समुद्र में मान लीजिए आप डॉगी चला जाए कुत्ता जाता कुत्ता थोड़ा समुद्र में रह पाएगा क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. अब देखिए अब नया टर्म है adaptation क्या होता है ध्यान से देखिएगा। adaptation एक adaptation किसको कहते हैं ठीक है, इसको समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टन हैबिट्स, मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर होना चाहिए ठीक है और कुछ हैबिट्स होना चाहिए जो कि आपको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए आपको बना देगा इनेबल कर देगा, इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन ए प्लेस कॉल्ड एडेप्टेशन। अब नेचुरली किसी प्लेस में आप नेचुरली किसी प्लेस में रहने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए स्पेशल फीचर होना चाहिए ठीक है, स्पेसिफिक फीचर्स होना चाहिए जो कि आपको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए आपको एडजस्ट कर देगा, तो उसको कहते हैं एडेप्टेशन। मतलब कि अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, जो अडेप्टेशन है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं किस टाइप का इन्वायरमेंट है आपका। दैट इज वाई फिश कैनॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड कैमल कैनॉट लिव इन सी, यही कारण अडेप्टेशन का कारण होता है कि जो फिश है हमारा वो पानी में ही रहेगा जमीन पर नहीं रहेगा ठीक है, क्योंकि जमीन पर वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और कैमल आपका समुद्र में नहीं रह सकता क्योंकि उसका जो फीचर है उस अकॉर्डिंग उसको बनाया गया कि वो आपका डेजर्ट में रहेगा जमीन में ही रहेगा। अब हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट कुछ नॉर्मल समझिए कि घर के बारे में बात करें जहाँ हम लोग रहते हैं उसको घर कहते हैं, उसको साइंस के टर्म में हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स ए ड्वेलिंग प्लेस, मतलब कि घर। हैबिटेट प्रोवाइड फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, और हैबिटेट में हम लोग क्या मिलता है, जो हमारा घर है वहाँ हम लोग क्या मिलता है, फूड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, शेल्टर मिलता है, और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें हमारे हैबिटेट में मिलती हैं। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं एनिमल्स हैं एक ही हैबिटेट में रहते हैं, मतलब कि एक ही हैबिटेट में एक ही घर में अलग अलग टाइप के प्लांट एनिमल रहते हैं, जैसे जंगल हो गया
तो जंगल आपको शेर भालू गाय भैंस मिलेंगे, और उससे जंगल आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे, दोनों साथ में ही रह रहे हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है, मतलब कि द प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल है दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हाँ, तो ये एक नया टर्म है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है। जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जीव जंतु, जो जानवर जो हमारे ज़मीन पर रहते हैं, तो उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। दोज हु सर्वाइव ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एग्जाम्पल देखते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है। तो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट्स हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, माउंटेन रीजन्स हो गया, ये सब सारे क्या लैंड पे है, जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऑन दी अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड जो प्लांट का हैबिटेट है ना, एंड ऑन द अदर एंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक। मान लीजिए जो कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं ना, जो कुछ एनिमल ऐसे हैं जो आपके पानी में रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे लेक्स, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, नदी है, समुद्र है, तालाब है, ठीक है, नदी नाले हैं, हाँ बहुत सारे पेड़ पौधे। जैसे समुद्र में आप जाइएगा तो समुद्र के अंदर में क्या है, बहुत सारे उसमें बहुत सारे एनिमल तो रहते ही हैं, सी लाइन हो गया, ठीक है, सी फिश हो गया, तो डिफरेंट टाइप्स के भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे पेड़ पौधा जो पानी के अंदर में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। देयर आर लार्ज वेरिएशन एमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लाइक जो आपका जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसमें क्या बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन माने लाइक फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स है, कोस्टल है एंड माउंटेन रीजन्स है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड है। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक। जैसे बायोटिक कंपनी का जो एनिमल जो प्लांट है जो एक ही हैबिटेट में रहते हैं उसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। द नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लीजिए रॉक हो गया, सॉयल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, उसे मिला के क्या बनता है एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे बोला कि आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक, बोला जो सनलाइट वो क्या है आपका बायोटिक है कि एबायोटिक है, वो सोच के बताना कैसे। बायोटिक मतलब क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और एबायोटिक मीन्स क्या होता है, जो आपका जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो आपको उसी बेसिस पर बताना है कि जो आपका जो सनलाइट है वो क्या है, बायोटिक है क्या एबायोटिक है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हम लोग को पता है कुछ प्लांट क्या होता है जो बीज से निकलता है, ठीक है। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड द इफेक्ट ऑन द सीड्स एज द ग्रो इंटू यंग प्लांट। हम लोग चलिए अब इसमें क्या, मान लें कोई बीज पे जो एबायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट है, और कैसे सीड से एक छोटा सा पौधा बनता है, वो हम लोग को अब समझना है। तो उसके लिए एक्टिविटी दिया है, ठीक है, एक्टिविटी टू को हम पढ़ेंगे। रिकॉल एक्टिविटी सेवन इन चैप्टर फोर। चैप्टर फोर में आपको एक्टिविटी सात को रिकॉल करने याद आ रहा है, हम लोगों ने कौन सा एक्टिविटी किया था, आप एक बार पेज को पलट के देखें कि कौन सा एक्टिविटी चैप्टर फोर में, एक्टिविटी सेवन हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था, मेज एंड ग्राम को स्प्राउट किया था, ठीक है। वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम जो चना है ना, और जो मक्का का सीड था, उससे हम लोगों ने स्प्राउटिंग जो जर्मिनेशन होता है उसका हम लोगों ने किया था, अंकुरित किया था, स्प्राउट में क्या होता है अंकुरित होना। व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउट, जब आपका जो बीज स्प्राउट होता है तो हम लोग कहते हैं कि इट सेट अप जर्मिनेटेड, तो हम लोग कहते हैं कि जर्मिनेशन का हो गया। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, किसी भी प्लांट का ये लाइफ का पहला स्टेज है कि उसका जर्मिनेशन होना चाहिए, यानी कि बीज से वो जब अंकुरित होता है तो पहला स्टेज है, ठीक है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कुछ मूंग के ना दाने ले लीजिए सूखा हुआ, ठीक है, और उसको कीप 20-30 सीड असाइड एंड सोक द रेस्ट इन, बोले कि पहले तो 20-30 तो मूंग के दाने हैं ना, आप उसको ऐसे ही अलग से रख लीजिए, और बाकी को पानी में फुला दीजिए रात भर के लिए, ठीक है। सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, दिन भर के दिन चाहे जो भी हो, आप दिन भर उसको पानी में फुला दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, डिवाइड द सोक सीड्स इंटू फोर पार्ट्स, जिस जो आपने जो मूंग आपने भिगोया है ना दिन भर, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट कीप वन पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर थ्री, एक पार्ट को क्या करना, 3-4 दिन के लिए पानी में डुबा कर रखना, ठीक है, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना, एंड डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज इन वाटर। जो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ना कुछ को तो सूखा रख लिया था, जिसको हम लोगों ने सूखा रखा है, उसको पानी में डुबा कर उसको डिस्टर्ब नहीं करना,
बोले कि कीप वन पार्ट ऑफ सोक्ड सीट इन सनी रूम एंड अनदर इन ए कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक कपबोर्ड दैट डज नॉट एनी लाइट टू कम इन। बोले कि एक पार्ट का कीजिए, जहाँ धूप आता है ना, कुछ सीट जिसको उन्होंने भिगो कर रखा था उसमें कुछ लेकर कटोरी में आप धूप में रख दीजिए, और कुछ को कपबोर्ड में रख दीजिए घर के अंदर, आपको लाइट नहीं आता हो। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ रखना है। पहला तो आपको एक तो पानी में डुबा कर रखना है, पहला पार्ट है समर्ज इन वाटर, पहला पार्ट आपको एक ये करना है। जैसे आपको सनी रूम में जहाँ पर सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ कुछ मूंग को रखना, और तीसरा बोला कि आपको एक कपबोर्ड में या कटोरी में रखिए जहाँ पर रूम के अंदर में जहाँ कोई लाइट नहीं आता हो। ठीक है, और सूखा तो हम लोगों ने रखा ही है स्टार्टिंग में ही। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड आई को क्या कीजिए, आप ठंडा सराउंडिंग में रखिए जहाँ बहुत ठंडा हो। ठीक है, सही रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख दीजिए जहाँ उसके विथ आइस अराउंड देम, तो ठंडा में फ्रिज में रखना है बर्फ़ के साथ में रख दीजिए। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, उसको डेली धोइए और पानी को चेंज कीजिए। व्हाट डू नोटिस आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद क्या नोटिस कीजिएगा कि डू द सीड्स इन ऑल द फाइव कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, तो क्या जो सीड था जो बीज था आपका पाँचों कंडीशन में जर्मिनेशन उसका हुआ। डू यू फाइंड द स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ द दिस, तो आपने पहले तक सूखा रखा था, ठीक है, पहला सूखा था, दूसरा आपका पानी में डुबा कर रखा था, तीसरा सूर्य की रोशनी के पास रखा था, चौथा आपने ठंडा में रखा था, ठीक है, पाँचवा और डार्क रूम में रखा था, तो इन पाँचों में क्या किसमें जर्मिनेशन हुआ है, किसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है, क्या किसमें जर्मिनेशन स्लो हो रहा है, सब आपको ऑब्जर्व करना था। डू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर वाटर लाइट एंड हीट, आपको लगता है कि जो अबायोटिक फैक्टर हैं जो नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे मान लीजिए एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए जो अबायोटिक फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सभी के जीवन में अबायोटिक फैक्टर का बहुत ही योगदान है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, इजंट इट, हम लोगों ने ऐसा भी देखा कि कुछ एनिमल या कुछ जो आपके जीव जंतु हो, कुछ तो बहुत ठंडे में रहते हैं, कुछ तो बहुत ही हॉट में रहते हैं, हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, मान लीजिए कहीं बहुत ठंड लग रहा तो इतनी ठंड में कुछ जानवर कैसे रहते हैं, मान लो कहीं बहुत गर्मी है तो उस गर्मी में कुछ कैसे सर्वाइव कर जा रहे हैं। तो अडेप्टेशन इज द मैथड बाई विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, तो तरीका क्या है अडेप्टेशन, हम धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और हम आपको सूट करने लगते हैं अकॉर्डिंग टू इन द इन्वायरमेंट, तो उसको कहते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम बिकॉज द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, जो आपका अडेप्टेशन होता है वो तुरंत नहीं होता, ठीक है, वो टाइम लगता है, कि जो बायोटिक फैक्टर्स है ना वो भी स्लोली चेंज होता है, वेरी धीरे धीरे चेंज होता है, इसलिए जो अडेप्टेशन वो भी एक स्लो प्रोसेस है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई, तो मान लीजिए जो मैंने जो कोई ऑर्गेनिज्म जो इस क्लाइमेट को एडजस्ट मीन क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा, उसको अपना नहीं पा रहा, वो क्या वो डाई कर जा रहा, वो जी नहीं पा रहा, मर जा रहा, ठीक है। एंड ओनली द अडेप्टेड वन, जो जिसने उस इन्वायरमेंट को क्लाइमेट को वहाँ के जो वातावरण को अडेप्ट किया है, अपना लिया, वो क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा, वो जी जाएगा। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे, मान जो अबायोटिक जो ऑर्गेनिजम्स वो डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर को डिफरेंट वे में अडेप्ट करते हैं, यानी कि जो मान लीजिए एक बहुत ठंड ठंड का बहुत किसी इन्वायरमेंट बहुत ठंड है, तो ठंड को अपनाने का अपना एक तरीका है, अपने आप को एडजस्ट करने का तरीका है। दिस रिजल्ट इन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट, इस कारण क्या होता है कि डिफरेंट एनिमल डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दिस, हम लोग समझते हैं कुछ हैबिटेट को समझते हैं, कुछ अबायोटिक फैक्टर को समझते हैं कि एनिमल उस कैसे एडजस्ट करते हैं अबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग। ये हम लोग का छूट गया था, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है। There are some changes that can happen in organism over a short period of time to help them to adjust some changes in the surroundings. देखिए कुछ changes होता है जो बहुत short time होता है ताकि आप अपने surrounding के according अपने आप को adjust कर सके, ठीक है। Adjust to some changes in the surrounding, तो surrounding आप अपने आप को adjust कर सके, जो change होता है वो क्या होता है, short time change होता है, short period of change होता है।
फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, इफ़ यू लिव इन प्लेन्स एंड सडनली गो टू द हाई माउंटेन रीजन, और हम लोग नीचे यानी कि प्लेन मतलब क्या धरती, और हम लोग धरती पर रहते हैं और अचानक हम लोग को माउंटेन यानी कि माउंटेन में जाना है कि हाई माउंटेन यानी कि ऊँची पहाड़ों पर हम लोग को जाना हो, तो वी में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डे, सांस लेने में फिजिकल एक्सरसाइज करने में हम लोग की परेशानी होगी कुछ दिनों के लिए। इफ़ यू नीड टू ब्रीथ फास्टर वेन वी आर ऑन हाई माउंटेन, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वहाँ ऑक्सीजन कम से कम करते, बहुत जल्दी फास्ट ब्रीथ करते हैं, बहुत तेज़ से सांस लेते हैं। आफ्टर सम डे और बॉडी एडजस्ट टू द चेंज कंडीशन ऑन द हाई माउंटेन, तो क्या होता है कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या, हमारा जो बॉडी है माउंटेन के इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बॉडी हमारा एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। जो हम लोग पहले बहुत तेज सांस ले रहे थे अब हम धीरे नॉर्मली वो सांस वहाँ नॉर्मल हो जाएगा। सच अ स्मॉल चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टू ओवरकम अ स्मॉल प्रॉब्लम ड्यू टू चेंज इन द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन। तो एक्लीमेटाइजेशन क्या है, जब हम लोग शॉर्ट पीरियड में अपने आप को चेंज करते हैं ना एडजस्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। दिस चेंजेस क्या है और डिफरेंट फ्रॉम द एडेप्टेशन, ये चेंजेस थोड़ा सा एडेप्टेशन से अलग होता है, दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड्स, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर में होता है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। वो हम देखिए प्लांट और एनिमल का जो हैबिटेट है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए एनिमल का हैबिटेट अलग होता है और प्लांट का अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रहने वाले है ना जीव जंतु उनका हैबिटेट जमीन में कहाँ कहाँ कैसे होता है, उन सब के रिगार्डिंग हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या हो गया, लैंड पर रहने वाले, ठीक है, जिनका हैबिटेट जो लैंड पर है उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे, डेजर्ट्स के बारे में वी डिस्कस द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल। हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कैमल कैसे डेजर्ट एरिया में रहता है, कैसे कैमल का जो पंजा है एकदम चौड़ा होता है, कैसे कैमल एक दिन में बहुत सारा पानी पी लेता है कि उसको अगर प्यास लगे तो पानी ना मिले तो भी वो एडजस्ट कर सके। तो एडेप्टेशन क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। वाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट्स, बोलते डेजर्ट में मान लीजिए बहुत सारे एनिमल मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट मिलेंगे, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, जिस तरीके से कैमल ने अडेप्ट किया था, मान लीजिए डेजर्ट में कैमल और सारे एनिमल्स भी है, तो क्या सेम सबका जो एडेप्टेशन सेम है, नहीं सबका एडेप्टेशन सेम नहीं होता। जैसे कैमल एक दिन में पानी पी लेता है बहुत सारा होता है कि 4-5 दिन तक बिना पानी पिए रह जाता है, लेकिन हर एनिमल 4-5 दिन तक बिना पानी पिए नहीं रह सकता है, तो सबका जो एडेप्टेशन है सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। देयर आर डेजर्ट्स एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक विच डोंट हैव लॉन्ग लेग्स दैट कैमल हैज़। देखिए बहुत सारे एनिमल है इसका जो पैर जो लंबा नहीं होता, जैसे कैमल के देखें ना ऊँट का जो पैर कितना लंबा होता है, लेकिन मान लीजिए जो स्नैक है जो रेट लोगों का जो पैर है वो लंबा नहीं होता है। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरो डिप्स इन द सैंड, इसमें क्या जैसे मान लीजिए डेजर्ट में क्या होता है बहुत धूप पड़ती है, तो धूप से बचने के लिए लोग क्या करता है, जो आपका जो सैंड होता है जो बालू होता है, बालू में लोग गड्ढा खोद कर उस गड्ढे में छिप जाता है। फिगर 6.4 इसलिए देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया, देखिए ये है आपका डेजर्ट एनिमल्स इन बरो, देखिए ये आपका क्या है, ये बालू है, ठीक है, सैंड है। अब यहाँ पर लोगों ने अपना घर बना लिया सैंड के नीचे, यहाँ पर गड्ढा खोद कर इनका अपना घर, देखिए यहाँ पर स्नेक है रैट है, इन लोगों ने अपना घर बना लिया। देखिए कितना जमीन के कितना नीचे है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ का जो टेम्परेचर कम रहता है, यहाँ पर आपका ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, यहाँ पर डेजर्ट होने के बाद भी बालू के नीचे क्या होता है ठंड रहती है, अपने आप को बचाने के लिए लोग बालू में गड्ढा खोद कर घर बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। दिस एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर, वो सिर्फ जैसे दिन भर का बालू के अंदर रहेंगे और शाम को जब माहौल ठंडा हो जाएगा, जब बालू ठंडा हो जाएगा, जब रात हो जाएगा तब वो बाहर निकलते हैं और खाना पीना अपना खाते हैं। फिगर 6.5 शोज सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, हाउ आर दिस अडेप्टेड इन टू द डेजर्ट्स। देखिए फिगर 6.5 में दिखाया गया है ये सब जो प्लांट है ना, जो काटे वाले प्लांट, ये आपको डेजर्ट में ही मिलते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या, इनका जो पत्ते बहुत छोटे होता है, वो ट्रांसपिरेशन इसमें कम हो सके, ताकि पानी का जो लॉस होता है, जो लॉस ऑफ वाटर है वो इनमें बहुत कम हो,
तभी तो सर्वाइव कर पाएंगे। लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करने के लिए इनके जो पत्ते होते हैं ना बहुत शॉर्ट होते हैं, इनमें कांटेदार पत्ते होते हैं, जो कांटे हैं वो मॉडिफाइड तरह से लीवी होते हैं। तो ये जो प्लांट है आपके सब डेजर्ट में मिलते हैं। ब्रिंग ए पोटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट द क्लासरूम, बोले कि क्लास में आपको एक पत्ता वाला पेड़ लेकर आना, ठीक है, लीफी प्लांट, दूसरा कैक्टस जिसमें कांटा होता है। टाई पॉलीथिन बैग टू सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट, जो आपका कैक्टस है और जो लीफी प्लांट है दोनों को आप पॉलीथिन में बांध दीजिए, ठीक है। जैसे हम उन एक्टिविटी चार में कहते हैं चैप्टर फोर में, वेयर वी स्टडी ट्रांसपेरेशन इन प्लांट, जैसे हम लोग पेड़ का जो हम लोग ट्रांसपेरेशन पढ़ाता था, कैसे उन्होंने पौधे को पेड़ में प्लास्टिक बांध के रखा था तो वाटर एग्जिट हुआ था, सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। आपको कैक्टस को और लीफी प्लांट को पॉलीथिन बैग में से कुछ पार्ट्स को, पूरे प्लांट को नहीं, आधे पार्ट को आपको पॉलीथिन बैग में बांध देना है। उसके बाद क्या करना है, लीव द पोटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर, उसको प्लास्टिक में बांध के सूर्य की रोशनी में रख देना और कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व करना कि उसमें क्या हुआ है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथिन बैग, एक बैग में तो आपका लीफी प्लांट होगा, ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, कैक्टस प्लांट होगा। तो बोले कि आपने क्या देखा है, जिसमें पानी जो छोड़ा है दोनों प्लांट, कितना पानी छोड़ा है, किसी में ज़्यादा कम है क्या, कोई डिफरेंसेस है क्या, किस अमाउंट ऑफ वाटर को इन्होंने छोड़ा है। डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर टू ट्रांसमिशन, जो कैक्टस का प्लांट था ना वो क्या डेजर्ट प्लांट है, वो बहुत हल्का है, बहुत कम पानी को छोड़ता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। लेकिन जो नॉर्मल पत्ते वाले जो प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट, पत्ते जो होते हैं ना या तो डेजर्ट प्लांट में होते ही नहीं है, या बेहरी या तो बहुत छोटे होंगे या फिर स्पाइंस के फॉर्म में होंगे, स्पाइंस में कांटेदार। तो डेजर्ट में जितने भी प्लांट होते हैं उनके पत्ते या तो बहुत छोटे होंगे, वेरी स्मॉल, या तो स्पाइन के फॉर्म में, या तो पत्ते होंगे ही नहीं, इस टाइप के प्लांट मिलते हैं डेजर्ट में। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर, देखिए क्योंकि अगर पत्ता ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा पानी लॉस होगा, जाहिर सी बात है, आपके पानी का दिक्कत है डेजर्ट एरिया में। इस कारण जो नेचर है इस तरीके के प्लांट को सपोर्ट करता है डेजर्ट में, जिसके पत्ते छोटे हों, आज का पत्ता हो ही ना जाए, पत्ता फिर स्पाइन के फॉर्म में यानी कि कांटे के फॉर्म में हो, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर वो कम हो सके थ्रू ट्रांसपिरेशन। दी लीफ लेवल स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट इन इट्स स्टीम, जो आपने पत्ते को देखा है ना जो कैक्टस के प्लांट, वो क्या है, एक तरह का स्टीम है, ठीक है, जैसे फिगर 6.5 देखते हैं। ये जो आप लोगों ने देखा है, ये जो पत्ता देख रहे हैं आप 1 किलो से, ये आपका स्टीम का भी काम करता है, ठीक है, ये सब क्या है, स्टीम भी है, इसमें स्टीम पत्ते जैसा ही होता है, पत्ता एक्चुअली नाक के बराबर होता है। देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजुअली केड आउट बाय द स्टीम्स। हाँ, अब यहाँ समझने वाली बात है, नॉर्मल प्लांट में क्या था, जो फोटो होता है फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है किस में होता है, लीफ में होता है। लेकिन जो कैक्टस का प्लांट है ना, जो डेजर्ट प्लांट है, उसमें क्या होता है, स्टेम में होता है। और आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताइएगा, लीफ में भी होता है और स्टेम में भी होता है। नॉर्मली लीफ में होता है, लेकिन हम जब डेजर्ट प्लांट की बात करेंगे तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस वो क्या, स्टेम में भी होता है। द स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, अब जो डेजर्ट प्लांट होता है उसका जो पत्ता होता है ना, उसमें क्या होता है, जो स्टीम होता है उसमें वैक्स का लेयर होता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ द कैक्टस। सर वैक्स का काम क्या है, जो वाटर है ना उसका टिश्यू में उसको बनाकर उसको लॉस होने से बचाना। बोले कि मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल और फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट उनका जो जड़ बहुत लंबा होता है, बहुत ही गहराई में जाता है कि पानी को उसको मिल सके, पानी को खोजने के चक्कर में उसका जो रूट होता है बहुत लंबा लंबा होता है, ठीक है, बहुत नीचे की ओर जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे माउंटेन रीजन के बारे में। दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, जो माउंटेन वाले एरिया में बहुत ठंडा होता है, वहाँ पर हमेशा हल्की हल्की हवाएं चलते रहती हैं, विंडी मीन्स क्या, जहाँ पर हवा चलती है, ठीक है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, और कहीं कुछ एरिया में क्या होता है, सर्दी के मौसम में हल्की बर्फबारी होती है, स्नोफॉल मीन्स क्या होता है, बर्फबारी। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन, माउंटेन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स सब सर्वाइव करते हैं, फ्लोरा एंड फौना उन सब का वहाँ पर एक मिक्सचर है। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन इन फिगर 6.6, ये जो आपको दिखाया जा रहा है पेड़, ये आपने ये पेड़ देखा कभी इस टाइप का,
कॉनिकल ट्री है, देखिए ये जो ट्री आपका जो कॉनिकल शेप में है, ये ज़्यादातर आपको माउंटेन एरिया में ही मिलता है, ठीक है। इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन और हैव डिस्टर्बेंस, अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हैं कभी गए हैं तो यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री, तो आपने इस टाइप के पेड़ को बहुत बहुत ज़्यादा देखा होगा। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स, क्या आपने देखा कि ये जो पेड़ है कि पहाड़ी एरिया को छोड़ कर और भी होता है। हाउ दिस ट्री, देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ दिस ट्री अडेप्टेड, हाउ आर दिस ट्री अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द हैबिटेट, मीन्स वो जो माउंटेन में रहते हैं वहाँ का कंडीशन को कैसे कंडीशन के होते, मान लीजिए वहाँ पर वो ठंडा भी है, ठीक है ना, वहाँ तो माउंटेन में क्या है तो कोल्ड है और दूसरा हमेशा हवा चलता है, विंडी एक तो आपका क्या कहते हैं विंडी इन्वायरमेंट है, यानी कि वहाँ हवा चलते रहता है, तो इतना ठंड होने के बाद भी हवा चलने के बाद भी वहाँ पर जो पेड़ हैं सर्वाइव कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को आप उस हैबिटेट में रह लेते हैं। दिस ट्री आर नॉर्मली कैन कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, ये जो पेड़ नॉर्मली क्या होता है कॉनिकल शेप का होता है, ऐसे पेड़ होते हैं इनका जो शेप होता है कॉनिकल होता है, ठीक है, और स्लोपी होता है, इस टाइप का कॉनिकल होता है या ये जो एरिया है स्लोपी टाइप का रहता है। द लीव्स ऑफ सम दिस ट्री आर नीडेड लाइक, आजकल जो इनके जो पत्ते होते हैं बहुत नोकीले होते हैं, यहाँ पर बहुत नोकीला होता है। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली, और ये जो पत्ते इनके जो नोकीले पत्ते क्यों होते हैं, ताकि बारिश के मौसम जहाँ बर्फ़ गिरेगा तो इस स्लिप करके नीचे की ओर गिर जाएगा, उस पर पत्ते पर चिपकेगा नहीं और इस तरह पत्ते को नुकसान नहीं होगा। स्लाइड ऑफ इजली, देयर कुड बी ट्री विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, और कुछ पर ऐसे भी होंगे जिनका शेप इनसे अलग होगा, दैट आर दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द माउंटेन, कुछ पर ऐसे होंगे जिनका शेप मान लो कॉनिकल नहीं होगा लेकिन फिर भी वो माउंटेन में होंगे। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू द टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन, अब उनको माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए उनका जो अडेप्टेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, मीन्स मे भी होता है ना डिफरेंट टाइप के प्लांट है एनिमल है तो सबका जो सर्वाइवल है और जो सबका जो सर्वाइवल है एडप्टेशन में भी डिफरेंट हो सकता है। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर, जो एनिमल रहते हैं उस माउंटेन में उनका भी अपने जो वहाँ क्लाइमेट है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर रखा है। दे हैव थिक स्किन, उनका जो चमड़ा होता है बहुत मोटा होता है, ठीक है, और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, उनका जो चमड़ा जो उनका जो बाल होता है ना वो सब बहुत घना होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया वहाँ पर ठंड बहुत रहती है तो ठंड से बचने के लिए उनके शरीर में बाल बहुत ज़्यादा होता है और उनका जो स्किन है वो क्या होता है थिक होता है। फॉर एग्जाम्पल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, अब उनके शरीर पर क्या बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बाल क्या करता है उनको गर्मी देता है, ठीक है। स्नो लियोपार्ड, जो स्नो लियोपार्ड है वो क्या है उसका थिक फर ऑन इट्स बॉडी, उसका जो बॉडी पे क्या है जो स्नो लियोपार्ड उसका बॉडी पर भी थिक फर होता है। देखिए ये आपको स्नो फिगर ए में दिया है स्नो लियोपार्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो टेस्टेरियल हो चाहे एक्वाटिक हो उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मैनी प्लांट, हमने बहुत सारे जर्नी किया, ठीक है, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट्स को देखा समझा और हमने डिस्कस किया बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के बारे में, डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन एक्टिविटी वन में क्या हुआ था, वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, अलग अलग सराउंडिंग में क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं एनिमल मिलते हैं ऑब्जेक्ट मिलते हैं, उन सब का हम लोगों ने लिस्ट बनाया, ठीक है, कि लैंड में कौन सा एनिमल मिलता है पानी में कौन सा मिलता है, ठीक है, क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उन सब का हम लोगों ने लिस्टिंग किया। सपोज वी स्टॉप एट अ वाइल्ड एंड थिंग, थोड़ा देर रुकिए और सोचिए कि विथ एग्जाम्पल्स इन आवर लिस्ट, जो हमने लिस्ट बनाया था उस एग्जाम्पल उसमें बहुत से एग्जाम्पल जो दिए थे उसको लेकर सोचते हैं आपको कि कौन सा उसमें लिविंग है, ठीक है। लेटेस्ट थिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द एग्जाम्पल फ्रॉम फॉरेस्ट, चलिए हम लोग एग्जाम्पल में किसी जंगल को लेते हैं, ठीक है, जो उसमें ट्री होता है क्रीपर होता है और स्मॉल एंड बिग एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं स्नैक्स होते हैं इंसेक्ट होते हैं रॉक्स होते हैं, ठीक है,
सोयल होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं, ड्राई लीफ सूखे पत्ते होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वहाँ मशरूम के पेड़ भी होते हैं, ठीक है, मॉसेस होते हैं, मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऑब्जेक्ट है दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, विच ऑफ दिस आर लिविंग, इनमें से कौन सा लिविंग है, थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट, इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब ये वीडियो सुन रहे हो, तो आपके आसपास के देखिए कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, और उनको ग्रुप कर लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, कहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है लिविंग है और ये जो ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग है, इसको ग्रुप में बना लीजिए। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, कभी कभी हम लोग को बहुत आसानी से पता चलता है कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। हाँ, यहाँ पर हम लोग इन सम केसेस इट इज ईजी टू नो फॉर अस, हम लोग आसानी से जान सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए चेयर है, टेबल है, वो सब क्या नॉट अलाइव, वो नॉन लिविंग थिंग है। पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉन सेंस रिटन बाय द एडवर्ड लिफ, जो पहली नहीं पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी आपका राइम पढ़ रही थी फ्रॉम कंप्लीट नॉन सेंस करके, जो कि एक पैराग्राफ था जिसको लिखा गया था एडवर्ड लिफ के द्वारा, जो पहली पढ़ रही थी, ठीक है, देखिए पहली पढ़ रही है, पहली अनबूझो फाउंड द पोएम वेरी फनी, जो पहली पोएम पढ़ रही थी, पहली अनबूझो को बहुत फनी लगा, ठीक है, फनी क्यों लगा, बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक, क्योंकि जो टेबल है चेयर है वो क्या नॉन लिविंग है, ना तो वो बात कर सकता है ना तो वो चल सकता है। चेयर टेबल स्टोन कॉइन आर नॉट अलाइव, ये सब क्या है, टेबल चेयर कॉइन ये सब नॉट अलाइव यानी कि जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, ठीक, हम लोग क्या हैं, ह्यूमन बींग्स क्या है, हम लोग अलाइव है, हम लोग लिविंग थिंग्स हैं। सो आर ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं सारे क्या है लिविंग बींग हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल, हम हमारे जो आस पास जो इन्वायरमेंट में जो एनिमल है हम उनको देख सकते हैं कि दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, उनके कितने उनका भी एक अपना लाइफ है, जो डॉग हैं, कैट हैं, मंकी है, स्क्वायरल्स है, इंसेक्ट है और बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं जो कि सारे लिविंग है और सबका अपना अपना लाइफ है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग, अच्छा हम लोग को पता कैसे लगता है कौन सा लिविंग है कौन सा लिविंग नहीं है, कुछ चीज़ें जो है लिविंग थिंग है, कुछ ऑब्जेक्ट क्या है नॉन लिविंग, तो हाउ कैन यू नो दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज लिविंग और नॉट लिविंग, ठीक है, इट इज़ नॉट सो इजी टू डिसाइड, ये इतना आसान नहीं है इसको डिसाइड करना कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग, हम लोग को बताया कि जो प्लांट क्या है वो लिविंग थिंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और पिजन, लेकिन जो प्लांट है जैसे जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, जो पिजन होता है, कबूतर होता है, क्या कहते हैं वो लोग मूव करते हैं, ठीक है, कुत्ता गली गली चलता है, जो कबूतर उड़ता है, लेकिन प्लांट क्या है, प्लांट एक ही जगह पे फिक्स है, ठीक है, प्लांट क्या एक प्लेस पे अपना फिक्स से कोई मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी ये लिविंग थिंग है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ऑन द अदर हैंड ए कार और बस कैन मूव, अब देखिए पेड़ तो मूव नहीं करे लेकिन ये क्या है आपका लिविंग थिंग है। ऑन दी अदर हैंड वहीं आप दूसरे देखिए जो कार या बस वो मूव करता है, बस मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाता है लेकिन फिर भी बस क्या है नॉन लिविंग है, स्टिल यू कंसिडर देम एज ए नॉन लिविंग, यही बताया जा रहा है कि प्लांट का कोई मूवमेंट नहीं होता लेकिन फिर भी प्लांट क्या लिविंग थिंग है। कार बस जो होती है मूव करती है, वो आपके गांव से दूसरे गांव चले जाएगी, फिर वो क्या नॉन लिविंग है, कैसे, प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, आप समझते हैं कैसे कि आपका पेड़ जो है नहीं चलने के बाद भी लिविंग क्यों है और जो बस और ट्रक है ये मूव करता है फिर नॉन लिविंग क्यों है, इसको समझते हैं। देखिए जो प्लांट है और जो एनिमल है अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, देखिए जो भी प्लांट है एनिमल है वो क्या करता है समय के साथ उसका वृद्धि होता है, वो ग्रोथ होता है, उसका हाइट बढ़ता है, लंबा होता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, उसे फूल आते हैं, फल आते हैं, उसका क्या है ग्रोथ होता है प्लांट का एनिमल का, ठीक है, बट देन एट द सेम टाइम
क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम टू बी ग्रोइंग साइज। तो अब क्या जो बादल हैं वो भी साइज में बढ़ते थे, बादल पहले छोटे होते फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि क्या क्लाउड भी लिविंग है, क्योंकि क्लाउड भी तो बढ़ रहा समय के साथ साथ। सॉरी नो, ऐसा नहीं है बाबू। हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो कोई भी इंसान, इस जो स्टूडेंट आप लोग पता कैसे करेंगे कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं क्या कुछ उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना लिविंग थिंग में जो कि डिफ्रेंशिएट करता है नॉन लिविंग से, जो बताए कि हाँ ये लिविंग है, ये लिविंग नहीं है, ये लिविंग में ये चीज़ है तो ये लिविंग में ये चीज़ नहीं है। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बींग। जैसे हम लोग इंसान, यू मीन्स क्या, किसके बात की जा रही है? आपकी बात कर रही है। आप यूट्यूब पर मोबाइल देख रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप अपने आप के एग्जाम्पल किसके लिविंग बींग है। वाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग? आपके अंदर ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको डिफरेंट करता है किससे, नॉन लिविंग थिंग्स से? आप खुद बताइए। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन नोटबुक। अपने किताब, अपने कॉपी में, नोटबुक में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए, कुछ गुण को लिखिए जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि मैं लिविंग थिंग हूँ एंड अदर थिंग्स आर नॉट लिविंग। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड। जो आपने लिखा है उसको ध्यान से देखिए और उसको मार्क कीजिए कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग के हुए नॉन लिविंग, विच में ऑल्सो भी फाउंड इन एनिमल्स। जो कि जो कैरेक्टरिस्टिक आप में मिल रहा है मे बी कुछ वो भी एनिमल मिल, जैसे मान लीजिए आप लिविंग थिंग है तो आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, ठीक। जानवर भी क्या, उनको भी प्यास है तो भी पानी पीते हैं, ठीक है। ठंड के मौसम में, ठंड का मौसम आता है तो आपको ठंड लगती है महसूस, जो जानवर है, जो पेड़ पौधे हैं उनको ठंड के मौसम में क्या होती है, ठंड लगती है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग और नॉन लिविंग के जिसके बेसिस हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने परहैप्स आर कॉमन ऑफ टू ऑल लिविंग थिंग्स, जो कि कॉमन है जो सब में है उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया है। जैसे मान लीजिए एनिमल हो, जैसे प्लांट हो गए, सपोज दैट मान लो कोई एनिमल है और ह्यूमन बींग है, दोनों में ब्लड होता है, जैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों खाना खाते हैं सर्वाइव करने के लिए, बिना खाए तो हम भी नहीं जी पाएंगे, बिना खाए कोई जानवर भी नहीं जी पाएगा, ठीक है। प्यास लगते हम भी पानी पीते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको भी प्यास लगे तो भी पानी पिएंगे। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? चाहे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबको खाना की जरूरत है। फूड के बेसिस पे हम लोग ये चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है लिविंग और नॉन लिविंग को। अर्लियर वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल एंड टू अस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो खाना है कितना जरूरी है सब सभी लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, चाहे वो जानवर हो चाहे हम लोग खुद हों। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने भी पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो लाइट का यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब का यूज़ करके वो खाना बनाते हैं अपने। एनिमल्स डिपेंड, और जो एनिमल्स वो किस पर डिपेंड रहते हैं? प्लांट पर डिपेंड रहते हैं और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो खाना खाने के लिए किस पर डिपेंड है? प्लांट पे, पेड़ पौधे और दूसरे एनिमल। मान लीजिए बकरी है तो बकरी क्या खाएगा? पेड़ पौधा खाएगा, ठीक है। जो शेर है वो तो घास नहीं खाएगा, तो वो क्या, शेर आपको बकरी को खाएगा या छोटा जानवर उसको खा जाएगा। तो जानवर जो है वो पेड़ पौधे पर भी डिपेंड करता है अपने खाने के लिए और दूसरे जानवर पर भी डिपेंड करता है। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। अगर आपको ग्रो करना, मान लीजिए कुछ खाइएगा तब ना आपका एनर्जी मिलेगा, तब ना ग्रो कीजिएगा, तब ना बड़ा होइएगा। ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस दैट गो इनसाइड देम। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके दे नीड एनर्जी किस लिए? उनके अदर लाइफ प्रोसेस के लिए जो कि उनके अंदर में चलते रहता है। देखिए अब अगला पूछ रहा है कि क्या डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या सबका ग्रोथ होता है? क्या सारे बड़े छोटे से बड़े होते हैं? क्या सबके हाथ पर लंबे हो जाते हैं? क्या हम लोग पहले छोटे थे कि हम लोग बड़े हो गए, हमारे हाथ पर बड़े हो गए, हमारा सिर बड़ा हो गया, हमारी आँखें बड़ी हो गई, हमारे कपड़े बदल गए, ठीक है। समय के साथ हम लोग कैसे, हम लोग के अंदर क्या ग्रोथ होता है? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? जो कपड़ा आज सब 4 साल पहले पहनते थे क्या आज वो आपको फिट बैठता है? बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि आपका हाइट बढ़ गया, आपका शरीर
जो ग्रोथ हो रहा है बॉडी में आपका, यू कैन नॉट वेयर इट, आप उसको नहीं पहन सकते एनी मोर, इजंट यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर दिस ड्यूरिंग दिस ईयर। इस टाइम पे क्या होता है, आप लंबे हो जाते हैं, जो पिछले चार साल जो आपकी हाइट थी और चार साल बाद जो आपका हाइट हो क्या होता बढ़ जाता है। देखिए हम दिखा रहे हैं छोटा बच्चा है, कुछ साल बाद इतना बड़ा हो गया, फिर इतने बड़े हो गए। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू ईयर्स विल बी बिकम एडल्ट। जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते, लेकिन आपको एहसास नहीं होता है कि आप डेली कितना इंच बढ़ रहे हैं, कितना सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप डेली बढ़ते हैं और समय के साथ आप छोटे से छोटे बच्चे से बड़े बच्चे बनते हैं, फिर एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है, यंग वंस ऑफ एनिमल, यंग वन मीन्स जो जानवर के बच्चे होते हैं ना उनको कहते हैं, यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट। जो जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं वो भी बड़े होते हैं। यू वुड श्योरली हैव, एक सेकेंड डियर, यू वुड श्योरली हैव नोटिस पप्स दैट ग्रो इन टू एडल्ट। आपने देखा होगा ना जो चिकन होता है ना, ये जो चिकन, ये जो आपका इसका बच्चा है, ठीक है, ये पहले इतना बड़ा होता है फिर ये इतना बड़ा होता है। आपने घर के आसपास छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे देखो, कितना छोटा प्यारा होता है उससे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर उसको हम लोग दुकान से खरीद के लाते हैं और खा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बहुत महान हैं। तो कौन कौन चिकन खाता है, कौन कौन चिकन नहीं खाता, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ए चिक हैज्ड फ्रॉम एन एग। देखिए जो जो बच्चा चिक है, जो मुर्गी का बच्चा, वो किससे निकलता है, अंडा से निकलता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, हेन बनता है, फिर वो कुक बन जाता है। ठीक है, फिगर 6.1 में दिखाया गया। प्लांट ऑल्सो, जो पेड़ पौधे वो भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी फ्यू प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अब अपने घर के आसपास कोई प्लांट को देखिए, जो आज छोटा है वो कुछ साल बाद वो का बड़ा हो जाएगा। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ पेड़ क्या बहुत छोटे हैं और बहुत ही यंग है। सम आर वेरी बिग, कुछ पेड़ पौधे क्या बहुत बड़े हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, जो सबका जो ग्रोथ का जो स्टेज है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सारे के सारे क्या है, लिविंग बींग है। लुक एट द प्लांट आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक्स। आप किसी, मान लीजिए आज आपने किसी पेड़ को देखा, ठीक है, तो उसको आप एक सप्ताह बाद, एक महीने बाद, दो महीने बाद देखिएगा, तो उसका जो हाइट है, जो पत्ता का, जो पत्ते का जो स्टीम है, उसका लीव्स है, फ्लावर है, वो सब क्या होगा, उसमें आपको ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन, कुछ देखिए उनसे कुछ का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ सीम टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स, सब में कुछ ना कुछ ग्रोथ होते रहता है। कॉमन चीज़ है कि सब पर ग्रोथ होना ही होना है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है उनका भी ग्रोथ होता है? मान लीजिए टेबल है, चेयर है, बस है, कार है, ईंट है, पत्थर है, ये जितने भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या इनका भी ग्रोथ हो रहा है? आपको क्या लगता है, थोड़ा सोचिए। देखिए बच्चा पहले इतना छोटा था, ये जन्म हुआ, ठीक है, फिर बैठना सीखा, फिर क्रॉलिंग सीखा, घुटने के बल पे चलना सीखा, फिर आपके जैसा बदमाशी करना सीखा, फिर आप इतने बड़े हो गए हैं, फिर आपकी शादी हुई और आप बहुत बड़े हो गए। ठीक है, देखिए ये आपका लाइफ साइकिल है, ग्रोथ है, आप कितने छोटे से कितने बड़े हो गए। तो नेक्स्ट है कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सारे ऑर्गेनिजम सांस लेते हैं? जैसे हम लोग जीवन जीने के लिए क्या हमको चाहिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं, सांसों के थ्रू लेते हैं। ठीक है, कैन यू लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम बिना सांस लिए जी सकते हैं? नहीं यार, बिना सांस लिए हम लोग नहीं जी सकते। व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, जब हम लोग सांस लेते थे, क्या जो बाहर का जो हवा है वो बाहर से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आवर, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे शरीर में हवा, वो हमारा बाहर से क्या होता है कि अंदर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जो बात है, जो इनहेल और एक्सहेल में क्या होता है, इनहेल में होता है कि जब हम सांस लेते हैं, जो अंदर में हवा लेते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इनहेल, और एक्सहेल क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम हवा को छोड़ते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन, जो सांस लेना क्या है, एक रिस्पायरेशन का पार्ट है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस है,
उसका एक हिस्सा है। इस फैशन में क्या होता है, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज बाय द बॉडी। जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं उसको हमारा बॉडी क्या करता है, यूज करता है। वी ब्रीथ आउट, हम लोग बाहर क्या करते हैं, हम लोग CO2 निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, इन दिस प्रोसेस। तो इस फैशन में क्या होता है, हम लोग एयर लेते हैं, एयर एक्चुअली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, बहुत सारे गैसेस है, सबका अलग कंपोजिशन है, ठीक है। तो उनमें क्या करते हैं, हम बेसिकली अपने जो हमारे हमको क्या जरूरत है, ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड लोग बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। जैसे मान लीजिए जो ब्रीथिंग तो प्रोसेस है ना, जो एनिमल में होता है, जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सेम है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। जब ये जानवर कोई माने जब सोता है, जब रेस्ट लेता है, तो आप देखिएगा कि वो कि किस तरह का सांस ले रहा, सांस छोड़ रहा है। एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, उनका जो पेट है, उसका पेट कैसे फूलता है, आप पिचकता है, वो आपको देखना है। मान लीजिए कोई भैंस है, वो आराम कर रहा था, आप जाइए आराम से देखिए कि वो जब सांस लेता है उसका पेट क्या फूल रहा, और सांस छोड़ रहा तो क्या पेट अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। जो उनके एब्डोमेन में, जो उनके पेट में जो मूवमेंट होता है ना, तो उससे पता चलता है कि जो जानवर जो है अदर लिविंग थिंग्स वो भी क्या करते हैं, वो भी रिस्पायर करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। जो रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रिस्पायरेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सांस नहीं लीजिएगा तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आप जी नहीं पाएगा, आपका जो आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इट इज थ्रू रिस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। देखिए हम जो खाना खाते हैं तो उसका जो एनर्जी है उसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑक्सीजन के थ्रू होता है। जब रिस्पायर करते हैं उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर हमारे पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये होता है कुछ एनिमल उनका जो गैसेज को एक्सचेंज करने का मैकेनिज्म वो अलग हो सकता है, बट कुछ इज ए पार्ट ऑफ द रिस्पायरेशन, जो उनका रिस्पायरेशन का पार्ट है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जो अर्थ हम है ना, अर्थ हम ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थ हम का सांस कहाँ से लेता है, वो अपने उसका जो स्किन है, अपने वो स्किन के थ्रू सांस लेता है और सांस छोड़ता है। फिश जिसको हम लोग वी हैव लर्न्ड, फिश में क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स का यूज़ करते हैं किस लिए, फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो फिश है वो अपने गिल्स का यूज़ करके जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको वो लोग लेते हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व वाटर। जो पानी में जो एयर डिजोल्व है और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कौन लेता है, गिल्स लेता है। तो गिल्स के थ्रू जो फिश और रिस्पायर करता है। अब आते हैं प्लांट के बारे में, ठीक है। डू प्लांट रिस्पायर, क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट इन मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। जो पेड़ पौधे में जो प्लांट है उनमें जो गैसेज का जो एक्सचेंज वो कैसा होता है, वो मेनली थ्रू आपके लीव्स के थ्रू होता है। जो उन्हें पत्ते होते हैं उन पत्तों के जरिए ही होता है, वो मीडियम है रिस्पायरेशन का, ठीक है। द लीव्स टेक्स इन द एयर थ्रू टीनी पोर्स इन देम। पेड़ में क्या होता है, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं ना उसमें टीनी छोटे छोटे छेद होते हैं, वो टीनी पोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका जो जो आप देख रहे हैं छेद, इसको कहते हैं टीनी पोर्स। एंड यूज द ऑक्सीजन, और वो लोग उस टीनी पोर्स का ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और वो एयर को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। हम लोगों ने पढ़ा कि दिन में क्या होता है, सनलाइट के पास प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और खाना बनाता है, और उसके बदल वो क्या उसका प्रोडक्ट बनता है, वो आपको ऑक्सीजन देता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन विद द प्लांट इज मच मोर देन ऑक्सीजन यूज इन रिस्पायरेशन।
देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब प्लांट क्या करता है, जब प्लांट अपना फूड को बनाता है ठीक है, तो उस समय प्लांट सीओ टू लेता है ठीक है, सीओ टू लेकर फूड बनाएगा और प्लस सनलाइट, तो उसका जो होता है बाई प्रोडक्ट उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस समय जो ऑक्सीजन छोड़ता है ना, ये बहुत उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है विथ कम्पेयर टू, जब वो रिस्पायरेशन में जब वो सांस लेता है तो उस समय जो ऑक्सीजन लेता है उसके तुलना में ऑक्सीजन ये बहुत कम है। देखिए यहाँ पर दिया बना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड, रिलीज्ड करता है कब, इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन, जब फूड बनाते समय ऑक्सीजन रिलीज करता है वो बहुत ज़्यादा, मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रिस्पायरेशन, जब सांस लेते समय ऑक्सीजन यूज करता है बहुत ही कम होता है। जो रिस्पायरेशन है प्लांट में कब होता है, डे और नाइट में दोनों होता है, रात में और दिन दोनों में होता है। देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो प्लांट है रिस्पायरेशन कब करता है, टेक प्लेस इन डे एंड नाइट, तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम में पूछता है, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपसे पूछा है कि जो रिस्पायरेशन है कब होता है, रात में कि दिन में होता है, तो दोनों में होता है, रात में भी होता है और दिन में भी होता है। लेकिन जो आपका प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये कब होता है, तो ये आपको होता है दिन में, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको चाहिए सनलाइट, और सनलाइट हमको कब मिलता है, मिलता है दिन में। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दिन में होता है, लेकिन रिस्पायरेशन क्या होता है, और रात दिन दोनों टाइम पर होता है ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, क्या जितने ऑर्गेनिज्म है क्या स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए मान लीजिए कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पैर में काट लग गया, तो रिस्पॉन्स करते हो ना, खुद तुम अपने पैर को उठा लेते हो, तो जो रिस्पॉन्स हुआ, जो आपका दिमाग जो आपको मैसेज दे रहा कि आपके पैर में काटा लग गया, आपका पैर उठाना है, तो ये जो पूरा प्रोसेस एक एक सिस्टम के थ्रू होता है ठीक है। तो स्टिमुली यानी तो रिस्पॉन्स जो दे रहा है ना, वो स्टिमुली का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट, जब आप नंगे पैर चलते हैं और आपके पैरों में काटा लग जाता है, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होगा, व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, जब आप अपने पसंदीदा खाने को देखिएगा ठीक है। मान लीजिए आपको समोसा बहुत पसंद है, तो आपको समोसा पसंद है, आपको समोसा देखते ही आपको मुँह में पानी आ गया ठीक है। यही ना होता है, जो आपको चीज़ पसंद है उसको कुछ रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, उसको देखते मान लीजिए मुँह में पानी आ गया, वो सब क्या है, उस रियली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, कभी आप अचानक अंधेरे से सनलाइट की ओर जाते हैं, व्हाट हैपेंस, तो आपको क्या होता है, जब मतलब पहले आप अंधेरे में थे अब आप सनलाइट में गए तो क्या हो गया, योर आई शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट, आपको जो आँखें वो अचानक बंद होती है और जो जो ब्राइटनेस है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पहले अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करता है, जो भी आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है आपका आई। योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन सराउंडिंग्स, जो आपका पसंदीदा खाना है, जो आप ब्राइट सनलाइट से डार्क में जा रहे हो, जब डार्क से सनलाइट में जा रहे हो ठीक है, या फिर आपका जो आपको पैर में काटा लग, ये सब क्या है एग्जाम्पल है, जो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ठीक है। ऑल ऑफ अस रिस्पोंड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, जो भी आपके इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के प्रति हम अपने को रिस्पोंड करते हैं। जिसके आपके पैरों में काटा लगा तो आपने क्या चेंज हुआ, तो आपने रिस्पोंड क्या किया, सट से अपने पैर को उठा लिया और काटा को निकाल दिया। ये जो रिस्पोंड दे रहे हो आप, इसको ही कहते हैं स्टिमुली ठीक है। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, जो भी हम चेंज हो रहा है, जो भी हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उस पूरे चीज़ को कहते हैं स्टिमुली। मान लीजिए आपने आइसक्रीम देख रहा, आपको देखते ही मुँह में पानी आ गया, तो आइसक्रीम को देख कर मुँह में पानी आना क्या कहते हैं, स्टिमुली। जो पानी आ रहा है, जो आपको रिस्पॉन्ड, पहले आपका चेंज क्या हुआ, आपने आइसक्रीम देखा, और फिर उसमें जो आपको रिस्पॉन्स में क्या आया, आपको देखते आपको पानी को खाने का मन क्या है, तो जो रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, स्टिमुली ठीक है। तो डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस, जो अदर एनिमल है क्या वो भी
अपने स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हम लोग कैसे, हम लोगों ने कोई भी अपने चेंजेस को हमारे सराउंडिंग हुआ था तो हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया, तो क्या एनिमल भी रिस्पॉन्स करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। जब किसी जानवर को आप खाना दीजिएगा तो क्या करता है, किस तरीके का रिएक्शन शो करता है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। आपके घर के आसपास के यहाँ बहुत लोग कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ता खाना देकर कैसे उछलना शुरू करता है, कैसे खुश हो जाता है, उसके रिएक्शन को आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। क्या आपको लगता है कि जैसे आपने अपने प्यारे से डॉग को खाना दिया तो खाना को देखते क्या होता है, पूरा एक्टिव हो जाता है, एकदम अलर्ट हो जाता है कि खाना मिलने वाला है। When you move toward a bird, जब आप किसी पक्षी की तरफ मुड़िएगा, what does it do? वो क्या करता है, वो तुरंत उड़ जाएगा, उस समझ जाएगा कि हमको पकड़ने वाला आ रहा है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड देता है पक्षी की वो पकड़ मतलब, इसलिए वो तुरंत आपके आठ को पहचान को उड़ जाता है। Wild animals run away when a bright light is flashed toward them। जब किसी जानवर आप टॉर्च मारे उसके आपके लाइट को देखो वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सिमिलरली कॉकरोच बिगन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। देखिए जब भी आप रात में लाइट को ऑन कीजिए तो रोशनी है, तो रोशनी को देखते जो आपका जो कॉकरोच तल सकता है वो क्या करके अपना वो छुपने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग बेसिकली अंधेरे में निकलता है तो लाइट को देख के वो लोग रिस्पॉन्ड करता है, उनको डर लगता है वो छुप जाता है। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। तो आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिसको एनिमल को जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे मान लीजिए शेर है, ठीक है, लायन क्या करता है, मान लीजिए यहाँ से कोई आ रहा, कोई हिरन आ रहा है, कोई बकरी आ रहा, ठीक है, मान लीजिए कोई गोट है, तो गोट को, क्योंकि गोट को आप शिकार करना है लायन को, तो लायन क्या करता है, लायन एकदम शांत हो जाएगा ताकि गोट को पता ना चले कि आसपास लायन है, और वो जैसे इसके नज़दीक है उस पर हमला कर देगा। तो बकरी को देखकर जो लायन शांत हो जाता है एकदम, तो अपने आप को चुप कर लेता है और अपने को छिपा लेता है, तो चुप होना जो छिपाना क्या है, रिस्पॉन्स करना हो गया, स्टिमुली है इसका, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या जितने ऑर्गेनिज्म है क्या स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं? देखिए मान लीजिए कभी आप रास्ते में जा रहे, आपके पैर में काट लग गया, तो आप रिस्पॉन्स करते हो ना, खुद तुम अपने पैर को उठा लेते हो, तो जो रिस्पॉन्स हुआ, जो आपका दिमाग जो आपको मैसेज दे रहा कि आपका पैर में काटा लग गया, आपका पैर उठाना है, तो ये जो पूरा प्रोसेस एक सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। तो स्टिमुली यानी तो रिस्पॉन्स जो दे रहा है ना, वो स्टिमुली का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बेयरफुट। जब आप नंगे पैर चलते हैं और आपके पैरों में कांटा लग जाता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डू यू फील, आपको कैसे महसूस होगा, When you see or think about your favorite food, जब आप अपने पसंदीदा खाने को देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए आपको समोसा बहुत पसंद है, तो आपको समोसा पसंद है, आपको समोसा देखते ही आपको पानी आ गया, ठीक है, यही ना होता है, जो आपको चीज़ पसंद है उसको कुछ रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, उसको देखते मान लीजिए मुँह में पानी आ गया, वो सब क्या है, उस डेली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। कभी आप अचानक अंधेरे से सनलाइट की ओर जाते हैं, व्हाट हैपेंस, तो आपको क्या होता है, जब आप मतलब पहले आप अंधेरे में थे अब आप सनलाइट में गए तो क्या हो गया, योर आई शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट। आपका जो आँखें वो अचानक बंद होती है और जो आप जो ब्राइटनेस है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पहले अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करता है।
जो भी आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है आपका आई। योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जांपल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। जो आपका पसंदीदा खाना है, जो आप बैड सनलाइट से डार्क में जा रहे हो, डार्क से सनलाइट में जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपका जो आपके पैर में काटा लगा, इस सब क्या है एग्जांपल है जो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ अस रिस्पोंड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। तो जो भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो उस चेंज के प्रति हमें अपने को रिस्पोंड करते, जिसके आपके पैरों में काटा लगा तो आपने क्या चेंज हुआ, तो आपने रिस्पोंड क्या किया, सट से अपने पैर को उठा लिया और काटा को निकाल दिया। ये जो रिस्पोंड दे रहे हो आप, इसको ही कहते हैं स्टिमुली, ठीक है। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पोंड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। जो भी हम चेंज हो रहा है, जो भी हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उस पूरे चीज़ को कहते हैं स्टिमुली। मान लीजिए आपने आइसक्रीम देख रहा, आपके देखते ही मुँह में पानी आ गया, तो आइसक्रीम को देख कर मुँह में पानी आना क्या कहते हैं, स्टिमुली। जो पानी आ रहा है, जो आपको रिस्पॉन्ड, पहले आपको चेंज किया हुआ, आपने आइसक्रीम देखा और फिर उसमें जो आपको रिस्पॉन्स में क्या आया कि आपको देखते ही आपको पानी आया, खाने का मन किया, तो जो रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, स्टिमुली, ठीक है। तो डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस। जो अदर एनिमल है क्या वो भी अपने स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे हम लोग कैसे, हम लोगों ने कोई भी अपना चेंजेस हमारे सराउंडिंग हुआ था तो हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया, तो क्या एनिमल भी रिस्पॉन्स करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। जब किसी जानवर को आप खाना दीजिएगा तो क्या करता है, किस तरीके का रिएक्शन शो करता है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। आपके घर के आसपास के आए हैं, बहुत लोग कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ता खाना देकर कैसे उछलना शुरू करता है, कैसे खुश हो जाता है, उसके रिएक्शन को आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। क्या आपको लगता है कि जैसे आपने अपने प्यारे से डॉग को खाना दिया, तो खाना को देखते क्या होता है, पूरा एक्टिव हो जाता है, एकदम अलर्ट हो जाता है कि खाना मिलने वाला है। When you move toward a bird, जब आप किसी पक्षी की तरफ मुड़िएगा, what does it do? वो क्या करता है, वो तुरंत उड़ जाएगा, वो समझ जाएगा कि हमको पकड़ने वाला आ रहा है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड देता है पक्षी की, वो पकड़ मत ले, इसलिए वो तुरंत आपके आठ को पहचान कर उड़ जाता है। Wild animals run away when a bright light is flashed toward them. जब किसी जानवर आप टॉर्च मारे उसके आपके लाइट को देखो, वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सिमिलरली कॉकरोच बिगन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। देखिए जब भी आप रात में लाइट को ऑन कीजिए तो रोशनी है, तो रोशनी को देखते जो आपका जो कॉकरोच तलसट्टा है वो क्या करके अपना वो छुपने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग बेसिकली अंधेरे में निकलता है, तो लाइट को देख के वो लोग रिस्पॉन्ड करता है, उनको डर लगता है, वो छिप जाता है। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली। तो आप कुछ एग्जांपल दीजिए जिसको एनिमल को जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे मान लीजिए शेर है, ठीक है, लायन क्या करता है, मान लीजिए यहाँ से कोई आ रहा, कोई हिरन आ रहा है, कोई बकरी आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई गोट है, तो गोट को, क्योंकि गोट का आप शिकार करना है लायन को, तो लायन क्या करेगा, लायन एकदम शांत हो जाएगा ताकि गोट को पता ना चले कि आसपास लायन है, और वो जैसे इसके नज़दीक है उस पर हमला कर देगा। तो बकरी को देख कर जो लायन शांत हो जाता है, एकदम अपने आप को चुप कर लेता है और अपने को छिपा लेता है, तो चुप होना जो छिपाना क्या है, रिस्पॉन्स करना हो गया, स्टिमुली है इसका, ठीक है। डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड। देखिए जो प्लांट है क्या ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के। फ्लावर्स ऑफ संपन्न ब्लूम ओनली एट नाइट। देखिए कुछ पेड़ ऐसा होता है इसका जो फूल हो सिर्फ रात को ही खिल रहे, मान लीजिए रात रानी है,
उसका जो फूल वो सिर्फ रात को ही खिलता है। सम प्लांट फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट, कुछ ऐसे फूल हैं जो शाम होने के बाद क्या होता है वो अपना क्लोज हो जाता है, ठीक है, वो बंद हो जाता है, क्लोज आफ्टर सनसेट। इन सम प्लांट लाइक मिमोजा कॉमन टच मी नॉट, जो कहते हैं जो पेड़ होता है ना मिमोजा, जो टच मी नॉट छुआ छुई लग पेड़ उसको छुने मुरझा जाता है। लिप्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम, जो छुई मुई पेड़ होता है ना उसको आप छू उसका पत्ता को छुएगा तो जो उसका जो पत्ता होगा आपस में बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जिसका जो पत्ता क्लोज हो रहा है वो क्या स्टिमुली को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ और रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड द चेंजेस इन द सराउंडिंग, तो जब भी सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होता है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स क्या है उसको स्टिमुली समझ उसको स्टिमुली हम लोग कहते हैं। देखिए छोटा सा कि एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है, समझते हैं इस एक्टिविटी में क्या करना है। बोला कि प्लेस ए पोटेड प्लांट इन ए रूम ए लिटिल अवे फ्रॉम द विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। बोलता है कि एक गमला जिसमें पेड़ लगा हुआ आप उसको खिड़की के पास रखिए, मीन्स थोड़ा सा खिड़की से दूर रखिए और ऐसा जगह रखिए जहाँ से खिड़की से लाइट आता हो, ठीक है, सामने खिड़की एकदम नज़दीक में नहीं रखना है, बस खिड़की से थोड़ा दूरी में रखना है और वहाँ से लाइट आता हो कम से कम। और कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर फीड, कुछ दिनों के लिए उसमें पानी डालते रहिए, ठीक है, तो देखिएगा कि जो प्लांट डज दब क्या प्लांट ग्रो कर रहा अपराइट, क्या प्लांट सीधा जा रहा है लाइक प्लांट आउट इन द ओपन। जो बाहर में पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं वो प्लांट का जो ग्रोथ है स्ट्रेट होता एकदम सीधा होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सॉइल है तो जब हम इसमें पानी देंगे वहाँ पानी देंगे तो पेड़ पौधा हमारा क्या है ये आपका स्ट्रेट भागता है, इसका जो ग्रोथ है वो आपका क्या होगा स्ट्रेट होगा, ठीक है, एकदम सीधा। तो वही जो हम लोग खिड़की के पास जो खिड़की से थोड़ा सा दूर में जो हम लोगों ने गमला रखा जैसे पेड़ है उसमें हमको पानी देना और ऑब्जर्व करना है कि क्या उसका भी ग्रोथ सीधा जा रहा है या खिड़की की तरफ जा रहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच इट पेंट, अब जो आपका जो गमले वाला जो पेड़ है वो किस डायरेक्शन में बेंड करें किस डायरेक्शन में मुड़ता है उसको नोट कीजिए। इफ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर वो सीधा अगर उसका ग्रोथ सीधा नहीं है तो उसको आप नोट कीजिए कि उसका जो ग्रोथ किस डायरेक्शन में बैंड हो रहा है। इफ इट इज़ नॉट गोइंग अपराइट डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू द सम स्टिमुलस, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम। देखिए ये पेड़ है यहाँ पे खिड़की है यहाँ से आता है लाइट, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी आती है तो जब जो पेड़ को तो नॉर्मली क्या होता है पेड़ सीधा ग्रो करता है लेकिन चूँकि पेड़ को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए तो ये लाइट की टोट बेंड हो रहा है, ये सीधा ग्रो नहीं करिए आपका हल्का सा बेंड हो रहा है, देखिए क्योंकि लाइट खिड़की के पास आ रहा है तो लाइट की टोट पेड़ जो है आपका बेंड हो रहा है, तो ये आपका रिस्पॉन्स है टू सम स्टिमुलस। सिंपल सा लैंग्वेज आपको समझना है कि क्या समझना है, आपके इन्वायरमेंट कुछ भी चेंज होगा आप उस चेंज के अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्स देते हो तो जो आपका रिस्पॉन्स हो गया आपका स्टिमुलस हो गया, ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, मतलब कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको क्या खाना चाहिए, जाहिर सी बात है हम लोग अगर ग्रो करना है धरती पर रहना है तो हम लोग को क्या चाहिए खाना चाहिए, खाना सब कुछ चाहिए। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज ओनली ए पार्ट ऑफ इट इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, हम जितना भी खाना खाते हैं सारा फूड तो हम लोग हमारा बॉडी यूटिलाइज नहीं करता है, कुछ तो पार्ट है जो वेस्ट हो जाता है जिसको अपना बॉडी छोड़ देता है निकाल देता है, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द रेस्ट, जो हमारा जिसका हमारा बॉडी यूटिलाइज किया उसका क्या हुआ,
तो दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट, उसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्ट इन आवर इन अदर लाइफ प्रोसेस ऑल्सो, हमारा जो बॉडी है वो क्या कर कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करता है दूसरों के लाइफ प्रोसेस में ऑल्सो। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, जो आपको वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर जो हम लोग उसे बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, जो ऑर्गेनिज्म जो आपका वेस्ट एक्सक्रीट करता है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। अब डू प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीटिंग, क्या जो पेड़ पौधे वो भी क्या वो भी जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, क्या जैसे हम लोग वेस्ट एक्सक्रीट करें तो क्या जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं। दे डू बट नॉट सीन एज इन एनिमल, पेड़ पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं लेकिन जैसे जानवर करते जैसे ह्यूमन बींग करते हैं वैसे नहीं करता, वो दिखता भी नहीं है, ठीक है। द मैकेनिज्म इन प्लांट आर लिटिल डिफरेंट, जो वेस्ट को जो एक्सक्रीट करने का मैकेनिज्म जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है विद कंपेयर टू अदर ह्यूमन बींग्स और एनिमल। सम प्लांट फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन दर पार्ट्स इन वे दैट दे डोंट हार्म द प्लांट एज अ होल, कुछ प्लांट क्या करते हैं अपने वेस्ट को अपने बॉडी में रखते हैं लेकिन इस तरीके से रखते हैं कि उनको नुकसान ना पहुँचे। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, ये जो आपका एक्सक्रीशन क्या है कॉमन है सबके लिए, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके लिए कॉमन है। अब अगला है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या जितने ऑर्गेनिज्म है एनिमल है चाहे ह्यूमन बींग्स है सारे अपने बच्चों को जन्म देते हैं अपने जैसे, तो अपने रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। हैव यू एवर सीन नेक्स्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन, क्या कभी अपने घोंसला देखा है जैसे कबूतर वगैरह का होता है जब पिजन का चाहे किसी का भी। मैनी बर्ड्स ले देयर एग इन द नेक्स्ट, कुछ जो पक्षी है वो क्या करते हैं अंडे देते हैं अपने घोंसले में। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, वो जो अंडा को क्या करते हैं हैचिंग करते हैं उसको सेकते वहाँ बैठ कर फिर कुछ दिनों बाद उसमें बच्चे बाहर आ जाते हैं यानी कि उनका बच्चों का जन्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर फिगर दिखा रहा ना इसे, यहाँ पर इसने अंडा दिया, ठीक है, यहाँ कुछ दिनों के बाद क्या हो गया हैचिंग करने के बाद क्या होता है उसमें बच्चे बाहर निकल आते हैं। हैचिंग मीन्स क्या होता है जब अंडा देती है ना तो अंडे के ऊपर जो पक्षी बैठते हैं आप बैठ कर उसको सेकते हैं तो उसको जो बैठने आता है उसको कहते हैं हैचिंग। एनिमल रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जो बच्चे हैं अपने जैसे ही को वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो जैसे मान लीजिए शेर उस शेर का बच्चा शेर होगा बकरी का बच्चा बकरी जन्म होगा। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, इन डिफरेंट एनिमल्स। सम एनिमल्स प्रोड्यूस द यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ जानवर जो अपने बच्चे को अंडे के थ्रू देते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, देखिए जन्म दो एक तो आपका अंडे से बच्चा आता है, ठीक है, एक पहले वो अंडे देंगे फिर बच्चे आएंगे, एक होता है कि डायरेक्टली वो बच्चे देते हैं जैसे हाथी हो गया तो हाथी अपने पेट में बच्चे को रखता है और डायरेक्टली अपने बच्चे को देता है, जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं और अंडे में उनके बच्चे आते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस, जो पेड़ पौधे वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो क्या अलग अलग, ठीक है। मैनी प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ प्लांट जो है वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं यानी बीज, हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे कुछ भी पेड़ का बीज लगाते हैं तो उस बीज में से क्या होता है वो बीज अंकुरित होकर पेड़ बन जाता है, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, जो पेड़ क्या करते हैं वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विच जर्मिनेट एंड गो इनटू ए प्लांट, जो कि आपका जो आपका बीज हो क्या करता है वो जर्मिनेट करता है पौधा बन जाता है। देखिए ये आपका बीज है इसके अंदर पहले आपको रूट बनता है, ठीक है, फिर वो जर्मिनेट होता है और धीरे धीरे क्या करता है होता है ग्रोथ और वो बड़ा पेड़ बन जाता है। सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो वो सीड से ग्रो नहीं करते, मान लो जब कटिंग लगाएगा तो ग्रो कर जाएगा, ठीक है, चाहे
बर्ड से ग्रो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे पार्ट ऑफ पोटैटो विद बर्ड्स, मान लीजिए आलू ले लीजिए तो आलू को आप डाल दीजिएगा तो आलू में जो बर्ड है ना, जो आलू का आँख है वहाँ से आलू ग्रो कर जाता है, ग्रो इनटू न्यू प्लांट। से मान लीजिए आलू है तो आलू में बहुत सारा आँख होता है, उससे आलू का जन्म हो जाता है। देखिए आलू से ग्रो किया फिर कितना बड़ा हो गया। प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। अब किसी पेड़ का एक कटिंग को लगा के आप भी दूसरा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए गुलाब का पेड़ है तो उसके स्टीम को कट कर लीजिए और उसको आप डायरेक्टली मिट्टी में लगाइएगा तो वो आपका लग जाएगा। वुड यू लाइक टू ग्रो प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ? आप घर में इस तरीके से पेड़ लगाकर लगा सकते हैं। अब यहाँ एक्टिविटी दिखाया गया, एक्टिविटी को समझ लेते थोड़ा सा। टेक ए कटिंग फ्रॉम रोज और मेहंदी प्लांट। एक मेहंदी का पेड़ लीजिए या फिर गुलाब का पेड़, उसे कटिंग ले लीजिए। फिक्स इट इन द सोयल एंड वाटर इट, उसको मिट्टी में डालकर मिट्टी में लगा दीजिए और उसको डेली पानी डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डेज, यानी कुछ दिन बाद आपने ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्व कीजिए कि आपने। इट मे नॉट बी इजी टू ग्रो प्लांट फ्रॉम कटिंग, कटिंग से पेड़ लगाना इतना आसान भी नहीं है। डू नॉट डिसअपॉइंटेड इफ योर कटिंग डज नॉट ग्रो, अगर कटिंग ग्रो नहीं हुआ तो आपको उतना उदास होने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा कटिंग भी लगा कर देख लीजिए, ग्रो ग्रो खस जाएगा। टॉक टू ए गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन कटिंग टू मेक देम ग्रो इन टू प्लांट। अगर आपने कटिंग लगाया और आपका कटिंग ग्रो नहीं हुआ तो आप जो गार्डनर जो मालिक उससे बात कीजिए कि हम लोग कटिंग कैसे लगाते हैं, उसका देखभाल कब करते हैं, पानी कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, वो आपको गाइड करेगा और आपका कटिंग ग्रो हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं हो, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो वो कटिंग ग्रो हो जाता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, जो लिविंग थिंग्स वो अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट इज इट टेक प्लेस इन मेनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, लेकिन वो अपने काइंड ही प्रोड्यूस करते हैं। अपने कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो जैसा है वैसे ही प्रोड्यूस कर, जो कबूतर तो कबूतर को ही जन्म देगा, इंसान इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा, शेर शेर को ही जन्म देगा, शेर कभी बिल्ली को जन्म नहीं देगा। आम का बीज से आम का ही पेड़ निकलेगा, अंगूर नहीं निकलेगा, इसलिए मतलब ये मीनिंग है सेम काइंड कहने का। अगला टॉपिक है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, क्या सारे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं। इन चैप्टर सिक्स वी डिस्कस द वेरियस वे इन विच एनिमल मूव। हम लोगों ने चैप्टर सिक्स में पढ़ा था ना कि मूवमेंट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, यानी कौन सा एनिमल कैसे मूव करता है, एनिमल या चाहे ह्यूमन बींग से सबका मूवमेंट कैसा होता है, इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो सो अदर बॉडी मूवमेंट। हम लोग वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं और अपने बॉडी के मूवमेंट को भी शो करते हैं, हम लोग मूव करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट, चलिए तो समझ में आ गया कि हम लोग ह्यूमन, हम लोग इंसान है, हमारे पास पैर है, हम लोग अपने पैर की सहायता से चलते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट, पेड़ पौधे कैसे मूव करते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है। डू दे ऑल्सो मूव, क्या वो भी मूव करते हैं। प्लांट जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, मिट्टी में सेट होते हैं। एंकर मीन्स क्या होता है, मिट्टी उनको पकड़ कर रखती है, ठीक है ना, इसलिए उनका एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का मूवमेंट नहीं होता है। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। अब जो पेड़ पौधे से प्रोडक्ट सामने आ रहा है वो मूव करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी है चाहे मिनरल है, वो मान लीजिए पानी को कौन, जो भी आपका प्लांट है उसका जड़ जो उसका रूट है ना, वो पानी को करेगा ऑब्जर्व। रूट है मिनरल को ऑब्जर्व कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। जाइलम आपका मिट्टी में से पानी को लेगा, पानी को ऊपर पत्तों तक पहुंचा देगा स्टीम की सहायता से,
तो यहाँ पे क्या होता है, पानी पेड़ के अंदर ही पानी का मूवमेंट हुआ, लेकिन पेड़ खुद मूवमेंट नहीं कर रहा है। कोई नोटिस, एक सेकंड दोस्तों, हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट? इसके अलावा आपने किसी अदर काइंड के मूवमेंट भी नोटिस किया प्लांट में, ओपनिंग और क्लोजिंग? हाँ, आपने देखा ना बहुत सारे जो प्लांट के फूल होते हैं ना, कुछ शाम को मुरझा गया, कुछ सुबह खिल गया, किसी का पत्ता आप छू लीजिए तो वो बंद हो जाता है, तो इस टाइप के मूवमेंट पेड़ पौधे में होते हैं। डू यू रिकॉल सम प्लांट सो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली? तो ये आपने, हाँ हम लोगों ने बिल्कुल रिकॉल किया कि कुछ प्लांट को अगर हम टच करते हैं तो उसके पत्ते जैसे छुई मुई का पेड़ को टच किया तो क्या क्या हो, उसका पत्ता क्लोज हो गया, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट हो गया। तो वी सी दैट, हम लोगों ने देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे सबको फूड चाहिए, सब सांस लेते हैं, सब रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के, सब रिप्रोड्यूस करते हैं, सबका सब मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है ना, सबका ग्रोथ होता है और लास्ट में सब डाई करते हैं। तो कुछ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सारे में होते हैं। डू यू फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या हम लोगों ने कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा भी देखा कि जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे कार्स हो गया, बाइसाइकिल हो गया, क्लॉक हो गया, वाटर हो गया, इन द रिवर मूव्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब का मूवमेंट होता है, जैसे कार भी चलता है, बाइसाइकिल भी कस चलता है, पानी भी चलता है, इन सब के अंदर भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या मूवमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे द मून मूव्स इन द स्काई, जो चांद आपका इस आसमान में चलता है, एक क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ, और जैसे बादल है छोटा से बड़ा हो जाता है, हम लोग आँखों के सामने वो ग्रो करता है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या हम ऐसे चीज़ को हम लिविंग बोल सकते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट हो रहा? नो, वी कांट कॉल देम एज ए लिविंग थिंग्स। वी आस्क आवर सेल्फ, डू दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग, जैसे हमारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, उनको खाना चाहिए, वो रिस्पायर करते हैं, उनका मूवमेंट होता है, ठीक है, तो ये सारे तो नहीं करते हैं। सिर्फ मान लीजिए कोई साइकिल में मूव करते, क्या उसके मूवमेंट के बेसिस हम बोल सकते हैं क्या वो लिविंग थिंग? बिल्कुल नहीं। इन जनरल में क्या होता है कि इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। मान लीजिए कोई भी लिविंग थिंग है तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारे होने चाहिए। वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम, जो नॉन लिविंग थिंग्स वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते, एक आध को शो करते हैं। मान जैसे लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में क्या क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो नॉन लिविंग मूवमेंट करते हैं, बट लिविंग नॉन लिविंग में क्या ग्रोथ होता है, नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग इंस्पायर करते हैं नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग एक्सक्रीट करते हैं नहीं करते हैं, ठीक। उसी तरह से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स में हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में रहेंगे, बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स में है मे भी एकाध कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे बट वो लिविंग नहीं कहलाएंगे। इज दिस ऑलवेज ट्रू? डू यू ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस्ड? ये तो सही है, जो हम लोग डिस्कस किया वो शो करेगा। डू यू ऑल्सो फाइंड दैट द नॉन लिविंग थिंग्स मे शो ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम? जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग का एकाध कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा लेकिन सारा कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, वो नॉन लिविंग है और लिविंग नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल, उसको और अच्छे समझने के लिए लेट अस लुक ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो आपको समझाया जा रहा है। कंसिडर एनी सीड से मूंग, मान लीजिए कोई बीज लीजिए, किसने से मान लीजिए हम लोगों ने लिया मूंग का बीज लिया, ठीक है, अब इज इट लिविंग? क्या ये लिविंग है? जो मूंग का बीज लिया हम लोग लिविंग है, इट कैन स्टे इन अ शो फॉर अ मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। जो मूंग का जो बीज है वो क्या वो दुकान में रहता है और कुछ भी वो शो नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं होता है,
नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जैसे मूंग का बीज लीजिएगा, देखिए दुकान में रहता है ना, कोई मूवमेंट शो नहीं करता, कुछ भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग थिंग का। हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इन द सॉइल। अब उस बीज को दुकान से खरीद के लाइए और मिट्टी में लगा दीजिए, उसको पानी डालिए, वो क्या बीज से क्या होगा, पेड़ बन जाएगा। डिड द सीड नीड, अब जो जो बीज था जो पेड़ बन गया, उसको अब खाना चाहिए, वो अब एक्सक्रेट करेगा, ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। व्हेन इट वाज इन द सो फॉर मेनी मंथ, क्या जब बीज आपका दुकान में था तब क्या वो उसको खाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, क्या उसमें एक्सक्रेट करता था, नहीं, ना वो ग्रो करता था ना रिप्रोड्यूस कर। लेकिन अब चूँकि हम लोग उसको हम लोगों ने मिट्टी में लगा दिया है तो अब ग्रो करेगा, उसको खाना भी चाहिए, वो रिस्पायर भी करेगा, एक्सक्रीट, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग के वो शो करेगा। तो वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजिली से दैट थिंग्स हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग। तो इसलिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया वो सारे शो नहीं करता, तो कभी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं होगा कि लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है। व्हाट इज देन लाइफ, अब जीवन क्या, लाइफ क्या, देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना पड़ेगा आपको। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, मान लीजिए जो गेहूँ है ना, गेहूँ के जो सैक होता है ना, जो गेहूँ का जो बोरी है उसके अंदर अपने हाथ को डालिए। डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड, क्या आपको उसके अंदर गर्मी दिखाई महसूस हो रहा है। दैट इज सम हीट बींग प्रोड्यूस्ड इन साइड द सेक ऑफ हीट, कुछ तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, इन साइड द सेक ऑफ हीट। द सीड्स इंस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, जो आपके बीज है ना वो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं और कुछ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। वी सी दैट रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव। मतलब रिस्पायरेशन क्या है, कि ऐसा प्रोसेस है, रिस्पायरेशन जब प्रोसेस द टिप जो बीज में होता है, इवन व्हेन सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस में नॉट बी, जब उनका लाइफ प्रोसेस एक्टिव भी नहीं, यानी वो मान लीजिए वो आपके मिट्टी में नहीं है, ठीक है, पेड़ अभी नहीं बने, नॉर्मली दुकान में चाहे बोरी में है कहीं भी है, तो भी वो रिस्पायर करते हैं, वो एक्टिव प्रोसेस में नहीं होने के बाद भी। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर और क्वेश्चंस व्हाट इज, तो ये आसान नहीं होगा कहना कि वर्क जीवन, व्हाट इज देन लाइफ। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स, तो जितनी भी डाइवर्सिटी है लिविंग थिंग्स को देखते हुए, वी कैन कंक्लूड लाइफ इज ब्यूटीफुल, हम लोग ये कहते हैं जो लाइफ क्या है बहुत ही सुंदर है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने कमेंट को फीडबैक में देना ना भूलें। आप अपना जो जो मूल्यवान फीडबैक हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है ना, कि हम लोग क्या कर सकते हैं और वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए।